हाई एवरी वन गुड इवनिंग वेलकम टू एन अकेडमी मेरा नाम है सीख पाजा एंड आई एम एजुकेटेड इन नीच यू जी कैटेगरी एंड आज का दिन बहुत खास है मल्टीपल uh, रीज़न है आज का दिन खास होने के पहला रीज़न तो ये है टुडे इज़ महाशिवरात्रि वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं फ्रॉम माई साइड हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरी वन टू ईच वन ऑफ यू एंड इट इज़ अ वेरी पायस्ट डे जिस दिन अगर हम मेडिटेट करें एंड ऐसा uh, मतलब अगर आप मेडिटेट करेंगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऐसा बोला जाता है तो अगर आप इस चीज में बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली आज के दिन तो करना ही चाहिए खैर मेडिटेशन तो रोज ही करनी चाहिए दूसरा आज का दिन खास इसीलिए है क्योंकि टुडे इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे एज वेल सो यू शुड डेफिनेटली विश द वुमेन प्रेजेंट इन योर लाइफ आपकी लाइफ में आपकी दादी होंगी नानी होंगी मम्मी होंगी हो सकता है बड़ी सिस्टर हो उनको हमें डेफिनेटली विश करना चाहिए एंड अपना आभार प्रकट करना चाहिए खैर हर इंसान हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो चाहे वो सिस्टर हो बट कहीं ना कहीं वुमेन का रोल बहुत बड़ा आता है बिकॉज आई बिलीव वुमेन इज ऑलराउंडर है ना आज तक आज तक पह, अब तो चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही है लेकिन पहले के टाइम पे देर आर सर्टेन टास्क जो सिर्फ मेल करते थे मेल घर का काम नहीं करते थे एंड वो सिर्फ बाहर जाके कमाई करते थे वुमेन थी शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग जस्ट हाउस होल्ड चोर्स एंड सिर्फ किचन संभालना घर संभालना लेकिन वो भी अपने है। है है, लिए हैं बहुत जल्दी अडाप्ट कर लिया है वो घर का काम तो आज भी बहुत अच्छे से करती हैं, पूरा मैनेज करती हैं बट आज उन्होंने बहुत जल्दी अडाप्ट करके पैरों अपने अप, अपने पे खड़े होना अपनी पूरी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट बच्चों दिख रहा है यस इज इट नाउ विजिबल हाँ आ गया दिख रहा बेटा यस yes, अब इट्स फाइन तुम ना होते तो कैसे पता चलता कि लैग आ गया है ना लैग तो आते रहते हैं यार क्लास में कोई बात नहीं सोचो तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी शादी करने के बाद भी हमारे इसमें लैग आएगा सोचो क्यों आया पता नहीं क्यों आया बट कोई बात नहीं बड़े बड़े देशों में ऐसी छोट छोटी छोटी बातें होती रहती हैं है ना बड़ी बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है लेकिन मैं इससे ये देखती हूँ कि बच्चे कितने मतलब खुश हो जाते हैं जैसे ही लैग आया तुरंत दूसरी जगह पे भाग जाएंगे और वहां पे कमेंटबाजी करने लग जाएंगे आपकी रिटेंशन जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है रिटेंशन जो है वो नहीं अरे हल्का सा भी लैग आया हम जरा आउट हो जाए एनी वे मैं कहाँ पर थी मैं इतनी अच्छी बात बोल रही थी लड़कों को स्पेशली सुननी चाहिए थी वो बात आज हम वुमेन्स डे पे बात कर रहे थे लेकिन आपने उसको सुना नहीं हल्के में ले लिया है ना बट इवेंचुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि हर आदमी को बीट मेल और फीमेल दोनों काम आने चाहिए एंड दोनों काम करने बहुत जरूरी है लड़कियों ने जल्दी अडाप्ट किया लड़कियां जल्दी अडाप्टेशन शो करती हैं लड़के थोड़े स्लो चल रहे हैं बट आप अगर मेल हैं एंड आपको अभी ये सारी बेसिक चीजें जो हाउस होल्ड चोर्स हैं आपके घर में बेसिक आपको मैगी और चाय से ऊपर भी खाना बनाना थोड़ा बहुत सीखना चाहिए अपनी मम्मी से है ना बिकॉज अल्टीमेटली हम सबके लिए बोलते हैं गर्ल्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बट बॉयज ऑल्सो हैडेंट है ना वो भी तो इंडिपेंडेंट हो दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देअर मदरस और दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देअर वाइफ्स राइट लड़कियां तो इंडिपेंडेंट हो गई हैं ऑलमोस्ट हो गई मुझे एट्टी नाइनटी परसेंट हो चुका है धीरे धीरे ये मुहिम जैसे जैसे चलती जाएगी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरीके से लड़कियों को तो दोनों काम आ जाएंगे वॉट आई एम फोर्सिंग इज की आने वाले बीस तीस साल बाद लड़के पीछे ना रह जाए क्योंकि वो सिर्फ एक ही काम कर पाएंगे घर में आके दे वोट भी एबल टू फीड So, लड़कियों से तभी हैप्पी वुमेन्स डे है होता होगा, लेकिन इसकी इतनी परिचर्चा नहीं की जाती है एनी वे कमिंग बैक टू नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर राइट कमिंग बैक टू नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आ जाए नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पे फटाफट से बेटा सेशन को लाइक कर दीजिए अब मैं वुमेन्स डे से बाहर आ चुकी हूँ थैंक यू सो मच जिसने मुझे विश किया है बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे भी आए बहुत सारे मैसेजेस मुझे टेलीग्राम पे भी आए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैं चाहूंगी अब आप अपने मदर्स को भी जरूर विश करें कई बार कुछ घरों में ट्रेंड नहीं होता ऐसे विश वगैरह करने का हम सिर्फ हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी तक ही सीमित हो जाते हैं बट ये भी एक खास दिन है एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का वैसे तो हमें हर दिन आभार प्रकट करना चाहिए जो पेरेंट्स जो मदर हमारे लिए करती है वो कोई नहीं कर सकता बट आज का दिन सिंस स्पेशल है आपको आपने अगर अपनी मदर को अभी तक विश नहीं किया है तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली वो चीज करनी चाहिए शी विल डेफिनेटली फील गुड ओके जी फिर हाँ जी शुरू करें अब आ जाते हैं अपने नीट 2024 पे आज महाशिवरात्रि भी है आज वुमेन्स डे भी है तो आज का दिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैम आपके लिए कुछ सरप्राइज ना लेके आए हैं आज का दिन क्या ऐसा हो सकता है जिसमें हम कुछ नई चीज के बारे में बात ना करें आज का दिन क्या ऐसा हो सकता है जिसमें आपको एज अ गिफ्ट कुछ ना मिले बिल्कुल बेटा आज का दिन ऐसा नहीं होगा एंड टूडेज डे इज वेरी मच स्पेशल एंड आज आज के दिन हम लोग, आज के दिन दिन हम हम लोग लोग बेटा जी आपको देने वाले हैं हैं फ्री ऑफ जैसे जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी एनरोल कर लिया है लेकिन जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं उनको मैं साथ साथ बता दू जस्ट फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टाइम नहीं मैं बोलूंगी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बेटा जी अनडमी का सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको सारे हमारे पेड बैचेस यानी कि सारी आपकी क्लासेस हो, batches, तो सारे दिखने लग जाएंगे। जितना आप डाउनलोड कर सकते हैं जितने मॉक टेस्ट देते हैं लॉन्ग ईयर में, में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है एंड ट्वेंटी फोर डाउट सॉल्विंग बेटा जी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है लेकिन ये कुछ चुनिंदा बच्चों के लिए है फर्स्ट फाइव थाउजेंड स्टूडेंट्स मैंने बोला था बट वो सीट्स ऑलरेडी फिल हो गई हैं तो ऑन रिक्वेस्ट उसको मैंने अभी भी ऑन करके रखा हुआ है तो जो बच्चे इस फ्री ट्रायल में

क्या कहते हैं एक्टिवेट हमने कोशिश की करने की लेकिन हमारा हो नहीं रहा है वो सारे बच्चे न्यू नंबर से करें ठीक है वो सारे बच्चे न्यू नंबर से करें जिन जिन बच्चों का एक्टिवेट नहीं हो रहा कोई भी इशू आ रहा है दिख रहा है कि यू कैन नॉट एक्टिवेट वो सारे बच्चे न्यू नंबर से ट्राई करें ओके जी न्यू नंबर से ट्राई करें ओके ठीक है जी चलिए बहुत बढ़िया है अब क्या आज की क्लास शुरू करें यस मेरे बच्चों आज की क्लास शुरू करें बता दो फटाफट से कम ऑन गाइस टेल मी टेल मी टेल मी फटाफट से लाइक कर दो यस लाइक कर दो फटाफट से कर दिया ओवर नहीं हुआ है नहीं नहीं ओवर नहीं हुआ बेटा इट इज स्टिल गोइंग ऑन इट इज स्टिल गोइंग ऑन आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं अच्छा और बेटा आज भी आपकी प्रैक्टिस क्लास है आज हम प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं एंड इस चैप्टर के बाद आपकी साढ़े सात बजे मैंने क्लास रखी है ठीक है जैसे हमारी रोज होती है प्रैक्टिस क्लास है जैसे चैप्टर कर लेंगे वैसे बेटा हम उसकी प्रैक्टिस क्लास में जंप कर जाएंगे इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आने की आ, संभावना है देखिए चैप्टर आपको इस समय इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जेनेटिक्स से लिंक्ड लिंक्ड है तीन तीन चैप्टर्स आपके बायो में रहते हैं यूनिट्स खैर सेल सेल साइकिल डिवीजन लिंक टू जेनेटिक्स जेनेटिक्स देन टू बायोटेक्नोलॉजी तो अपने जेनेटिक, जेनेटिक्स पूरा जेनेटिक कर लिया है वन ऑफ द बेस्ट सेशन है जिसने अभी तक तो नहीं देखे प्लीज जाके उसकी रिकॉर्डिंग देखिए उसमें से सीखिए एंड अब आज हम शुरू करने वाले बायोटेक देखिए बायोटेक को मैं हमेशा बोलती हूँ ये एक अंडर डॉग है अंडर वो होता है जिसको पहले कोई नहीं मानता था कि यार, कर दिया कि यार मैं ही हूं जो हूँ तुम मुझे हल्के में लोगे मैं तुम्हें बारह क्वेश्चन दूंगा यानी कि इन दो चैप्टर में से ग्यारह से बारह क्वेश्चन बेटा जी उस टाइम पे बने थे अगर मैं मान लू आपके ग्यारह भी बने ग्यारह माने आपका फोर्टी मार्क्स का बेटा जी ये चैप्टर है

जिसने मेरे से पढ़ा हुआ है वो ऑलरेडी इन बातों को जानता है तो आज और कल का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस महत्वपूर्ण दिन को अच्छे से यूज करो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार मैम मैंने आज आपसे अभी पढ़ा है साढ़े सात बजे मैं गारंटी लेती हूँ तुम नाइनटी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे और वो क्लासेस बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है लिंक मैंने पिन किया हुआ है फ्री क्लासेस का आपने बोला था फ्री क्लास कंडक्ट करो हम कर रहे हैं लिंक मैंने पिन कर दिया है जाकर आपको बस एनरोल करना है साढ़े सात बजे आ जाना है चलिए सो गेट रेडी फॉर द धासू नोट्स ओपन कर दें सेशन लाइक हो गया है सेशन लाइक हुआ नहीं है बेटा वो अटेंडेंस है अटेंडेंस आप नहीं लगाएंगे तो फिर मेरा भी वो डाउन हो जाता है यार जी जी वेटेज बता दिया काजल जी, दो चैप्टर मिला के बायटेक का पूरा यूनिट मिला के अराउंड इलेवन टू ट्वेल्व क्वेश्चन आएंगे इलेवन क्वेश्चन भी अगर मैं सेफ साइड पे लेकर चलू तो फोर्टी फोर टेन भी लेके चलो तो चालीस और मैं कम नहीं करूंगी क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी थर्टी एट से थर्टी टू हो चुके हैं तो वेटेज इसका बढ़ जाएगा बहुत आसान चैप्टर है गारंटी अगर मैं आपको दू अगला डेढ़ घंटा तुमने अच्छे से सुना डेढ़ से दो घंटा चैप्टर है लंबा नहीं है अगला डेढ़ से दो घंटा आपने सुन लिया आप एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं कर पाएंगे ठीक है काजल जी काजल लगा लिया है तैयार हो गए हो रेडी फॉर द धासू नोट्स ड्रम रोल्स आ जा जाए है ना फटाफट से ड्रम रोल्स आ जाए एंड वी आर नाउ लाइव विद आवर अमेजिंग अमेजिंग नोट्स मैंने आपको ये चैप्टर पता नहीं कितनी बारी हैंड रिटन मोड में भी कराया है आगे भी आपको बेटा मैं चैप्टर मल्टीपल टाइम कराने वाली हूँ लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि हर चीज आपकी इंक्लूड हो एंड बहुत अच्छे से हम एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए एक एक लाइन को पढ़ते हुए आगे बढ़े हम साथ में हैंड रिटन भी चलते हैं आपको पता है हम साथ में इस तरीके से पढ़ते हुए भी चलते हैं एंड यही आपसे डिस्कशन हुआ था कि दिस इज हाउ वी कैन सेव टाइम एंड दिस इज हाउ वी कैन डू द बेस्ट प्रेपरेशन इन लास्ट सिक्सटी डेज अगर आप अगले साल की भी तैयारी कर रहे हैं ना तो भी आप ये क्लास सुनेंगे आपको एक एक चीज डेफिनेटली समझ आ जाएगी प्रैक्टिस क्लास साढ़े सात बजे है मैं डेली ले रही हूं जब क्लास होती है उससे अगले टाइम पे मतलब उससे एक घंटे बाद प्रैक्टिस क्लास होती है सीट मैम अगर आती है तो पूरी तैयारी से आती है नहीं तो नहीं आती है क्लास भी पूरी लेंगे प्रैक्टिस क्लास भी पूरी लेंगे तो कैसे हो सकता है तुम पीछे रह जाओ ड्रम रोल्स आ गए चलो मेरे बच्चों शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी मेरे साथ साथ सिर्फ आपको समझना है जिस बच्चे के पास मेरे नोट्स हैं बहुत अच्छी बात है खोल के बैठो लेकिन एक खाली पेज जरूर लेकर बैठो खाली पेज इसीलिए बिकॉज हम इस पर स्क्रिबल भी तो करेंगे कुछ कुछ तो लिखेंगे ऐसे नहीं चलेगा और जिस बच्चे के पास नोट्स नहीं है जिस बच्चे के पास बेटा जी नोट्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आप जितना नोट कर पाते हैं वेरी गुड हेडलाइन है, मतलब हेडिंग हेडिंग इंपॉर्टेंट चीजें नोट करिए ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम टेलीग्राम बेटा जी मेरे नाम से है दैट इज सी पाहजा बायोलॉजी ऑफिशियल टू लैख नाइनटी एट थाउजेंड कुछ बच्चे हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए मेरा नाम है सीप पाहूजा बायोलॉजी ऑफिशियल वहीं पर इसकी डीपीपी वहीं पर फ्री प्रैक्टिस क्लास का लिंक प्रैक्टिस क्लास की डीपीपी मिल जाएंगे मेरे करें। कोचिंग के नोट्स है हाँ कोई बात नहीं श्रद्धा जो नोट्स है ठीक है थोड़ा बहुत आप साथ लिखे ये सुपर नोट्स तो आपको सुपर धासु नोट्स तो आपको मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी ठीक है जी सब डाउनलोड होता है यार अब मेरे को शुरू करने दो एक तो फ्री सब्सक्रिप्शन वाला गुड न्यूज दे दिया चाहूंगी जो आज की प्रैक्टिस क्लास है ना उसके विनर को भी कुछ ना कुछ मिलने वाला है आ जाओ यस बिल्कुल रिविजन करिए जिसने चैप्टर कर लिया है और ही बारी, बारी रिविजन करो यार ऐसे नहीं हो पाएगा शुरू करते हैं बेटा आज का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी मेरे इसको ध्यान से बहुत ज्यादा सुनना है एंड चैलेंज के तौर पे बैठना है कि अगला नब्बे मिनट मैं कुछ और नहीं सोचूंगा स्टार्ट किया है तो पूरा करूंगा क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बच्चे शुरू तो बहुत करते हैं चौबीस लाख बच्चों ने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी लेकिन आज तक वो पूरा नहीं कर पाए आधा बीच में छूट गया एक साल में छूट गया छह महीने में नॉन सीरियस हो गए ये सब हर बच्चे के साथ होता है तो अगर तुम डेढ़ साल कुछ ना करो और अचानक से साठ दिन में ला के, के बोलो कि यार मेरे को पूरा करना है मेरे को पूरा करना है तो ऐसे नहीं होता क्योंकि इज बेटर एक दिन पहाड़ की तरह आने में और सब कुछ करने में नहीं होगा एक चैप्टर में से नहीं आता है, पहले पेज में से नहीं आता है पेपर पेपर कहीं से भी आ सकता है तो हर चीज बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी ठीक है जी चलिए टीवीबी टेलीग्राम पे सेशन के बाद वट इज बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है बायो का क्या मतलब होता है देखो समझो आज मैं गारंटी देती हूँ तुम समझ के जाओगे एक सवाल तुम्हारा साढ़े सात बजे गलत नहीं होगा ये मैम की गारंटी है ठीक चलो इज बायोटेक्नोलॉजी बायो मैन ए लिविंग टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक लगा देना इंजीनियरिंग टाइप कोई टेक्निक लगा देना थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा देना अगर तुम लिविंग सेल पर लिविंग प्रोसेस पर लिविंग सिस्टम पर लिविंग टिश्यू पर लिविंग ऑर्गन पर

दिमाग लगा दिया दिमाग लगा दी यानी कि टेक्निक लगा दी टेक्निक लगा दी लिविंग सेल पे लिविंग सेल पे टेक्निक लगाई यानी कि ये क्या कहलाएगा बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा है ना लिविंग सेल पे टेक्निक लगेगा तो क्या कहलाएगा कहलाएगा। जस्ट कहलाएगा जैसे मैं अपना पानी मंगवा लू आज पानी लाना मैं यहां पर भूल गई कोई बात नहीं अभी आ जाएगा क्या ये चीज पहली बारी हो रही है क्या ये लाइफ में चीज पहली बारी हो रही है नहीं बेटा ये हमारे सदियों से हमारी मम्मी दादी नानी पड़ नानी सब करते आ रहे हैं लेकिन बस उनको नाम नहीं पता था कि आप बायोटेक कर रहे हो आज से जब ये नाम आना शुरू हो जाए ना बेटा अपनी मम्मी को बता देना कि आप ना ये खाना नहीं बना रहे हो दही नहीं जमा रहे हो भटूरे का आटा नहीं गूंद रहे हो आप क्या कर रहे हो बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो देखिए ट्रेडिशनली ये चीज चलती आ रही है आपकी मम्मी की अगर बात करें तो बहुत सालों से जामन जो दही के खट्टा जिसको बोलते हैं जो जामन है उसको हम रात में उसमें दूध डालते हैं करेक्ट टेम्परेचर पे एंड उसको पूरी रात रखते हैं ठीक है जी पूरी रात उसको रखते हैं तो हम देखते हैं कि इतनी सी दही दही पूरा दूध को प्रेसिपिटेट करके दही बना देती है इज दैट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक लगाई ना हमने वहां पर हमने ये टेक्निक लगाई कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ बैक्टीरिया को तो मुझे इसको करेक्ट टेम्परेचर पे दूध और इसका मीडियम देना पड़ेगा दूसरी चीज बेटा जी अपनी आती है भटूरे खाते हो भटूरे का आटा या मैदा जिसमें भी हम गूंढते हैं उसका जो डो प्रिपेयर किया जाता है उसमें यीस्ट डलता है यीस्ट क्यों डलता है ताकि वो जो डो है जो मटेरियल हमने बैटर है उसका वो फूल जाए फूलेगा क्यों जितना फूलेगा उतना बढ़िया हमारे भटूरे फूल के निकल के आएंगे ये भी तो बायोटेक्नोलॉजी है तुमने यीस्ट डाल दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म डाल दिया तुमने यहाँ पर बैक्टीरिया यूज किया फंजाई यूज की इससे क्या हुआ उसने रेस्पायर किया सीओ टू रिलीज किया और वो चीज फूल गई ऐसा ही हमने डोसे के बैटर में देखा था ऐसा ही हम इडली के बैटर में देखते हैं तो ये सब बायोटेक था

हर एक आदमी जिसको बीसीआर का पता भी नहीं है ना वॉट इज पी सी आर तुम्हें तो पता है उसके मुंह पे भी चढ़ गया था आरटीपीसीआर कराने जा रहे हैं आरटीपीसीआर कराने जा रहे हैं वॉट इज दिस दिस इज बायोटेक्नोलॉजी आपने डायग्नोस्टिक्स में यूज किया आपने वैक्सीन बनाने में यूज किया ये सारी चीजें हम लार्ज स्केल पे तभी कर पाए क्योंकि हमने बायोटेक को यूज किया आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी ये सब क्या है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है तो यार ट्रेडिशनली भी अपने लोग यूज कर रहे थे मॉडर्न में भी अपने ने वैक्सीन बनाई, बनाई, एंटीबायोटिक्स किसी को तो आना पड़ेगा वहां से आए यूरोप से आए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक यहां से आई हमें एक ऐसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो यूरोपियन फेडरेशन से अपने को क्या आई स्टैंडर्ड डेफिनेशन आई स्टैंडर्ड डेफिनेशन ने स्टैंडर्ड डेफिनेशन ने ट्रेडिशनल को भी बीच में ले लिया और मॉडर्न को भी बीच में ले लिया एंड इसने बोला ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा जी इसने क्या बोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट लाइन पूछी जा सकती है एंड कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर किया जा सकता है चार चीजें बताऊंगी बिल्कुल याद करनी है दैट इज इज इट द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स किस किस का इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स व्हाट इज मॉलिक्यूलर एनालॉग बेसिकली मॉलिकुलर एनालॉग में किसकी बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल आपके बॉडी के डीएनए डीएनएन इसकी बात करी जा रही है ताकि अपने लोग क्या बना पाए प्रोडक्ट बना पाए और सर्विसेज सर्विसेज बना पाएं. क्या बना पाएं? बना पाएं, बना पाए 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 क्या प्रोडक्ट ये एक ऐसी डेफिनेशन थी जिसने ट्रेडिशनल यूज को भी बीच में ले लिया और मॉडर्न यूज को भी बीच में ले लिया कि भाई तुम कुछ भी करो जैसे ट्रेडिशनली अपने लोग सेल पे काम कर रहे थे डीएनए पे काम थोड़ा किया जब बनाई थी बेटा पे काम किया सेल पे काम किया डीएनए को छेड़छाड़ नहीं किया लेकिन इसने डेफिनेशन ने क्या ले लिया सेल भी इंक्लूड कर लिया ऑर्गन भी कर लिया और मॉलिकुलर एनालॉग भी कर लिया मॉलिकुलर एनालॉग माने डीएनए एन ए भी इंक्लूड कर लिया तो अगर कोई तुमसे पूछे क्या अपने पास कोई ऐसी डेफिनेशन है जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न यूज दोनों बीच में आ जाते हैं हा है किसने दी थी ईएफपी फुल फॉर्म भी आ सकती है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यस मेरे बच्चों यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखो आज मैं बायोटेक ना तुम में से किसी बंदे में भी अप्लाई करने वाली हूँ ध्यान रखना अभी थोड़ी देर में एक बंदे का यू you नो know, तीन तीन बच्चे लूंगी मैं और तीन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे बायोटेक का थोड़ी देर में पहले कर लेते हैं चैप्टर का नाम में है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक के बेटा जी दो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर फोकस करेंगे दिख रहा है सबको इज इज दिस फाइन इट सेविंग योर टाइम क्योंकि मैं लिखना चाहूं तो मैं सब लिख सकती हूँ मैंने पास में भी लिखा है अगर तुम ये देखोगे ना ये सब आपका हाँ ये अगर तुम ध्यान से देखोगे ये मैंने आपको सब हैंड रिटन फॉर्म में भी कराया लुक एट दिस लिख लिख के भी सब कराया मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मैं लिख लिख के भी सारा करा सकती हूँ मैंने पूरा साल आपको लिख के कराया और मैंने प्रमोट भी इसी चीज को किया है कि लिख के करना चाहिए मैं इसी चीज को आगे भी इनकरेज करूंगी कि आपको भी लिख लिख कर ही नोट्स बनाने चाहिए लेकिन आखिरी के साठ दिन में मुझे लगता है समय तो बहुत कम है अब जितना गेन कर सकते हो माइंड में डाल सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो जैसा मैंने लिखा है ना उसी तरीके से मैंने अपने सुपर नोट्स बना दिए ताकि तुम्हारी मदद हो पाए जिसके पास हैंड रिटन नोट्स हैं बहुत अच्छी बात है मतलब अमेजिंग उससे ऊपर कुछ नहीं होता है हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होते हैं जिसके पास नहीं भी है ना उसको वो सुपर नोट्स बहुत मदद करने वाले हैं यस yes, मेरे बच्चों सुपर नोट्स बहुत मदद करने वाले हैं तो मैंने हर माध्यम से आपको कराया आप मुझे बोलेंगे मैं ऐसे भी करा दूंगी आप मुझे बोलेंगे वैसे भी करा दूंगी आप मुझे बोलेंगे दोनों शेयर कर दो हमारे साथ टेलीग्राम पे जैसे आपकी मदद होती है ना बेटा सीप मैम आपके लिए लिए वैसे काम करने के रेडी रहती है बिकॉज आई आई बिलीव एम देयर फॉर योर बेनिफिट अगर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी और मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी कि कम समय में कैसे किया जाता है तब बेटा मेरा फिर यहाँ पर खड़े होने का को कोई मकसद नहीं बनता है आई शुड बी द वन जो आपको करेक्ट गाइडेंस दे तो मैंने जो नोट्स बनाए उसमें भी कुछ भी मिस नहीं किया और अपने हैंड रिटन तो वैसे बेस्ट है वन ऑफ द बेस्ट है ये मेरे बच्चों धासु नोट्स सुपर नोट्स चलिए साथ साथ में मैं वो भी दिखाती जाऊंगी डोंट वरी मैं दोनों इंक्लूड करूंगी डोंट वरी चलिए तो दो प्रिंसिपल बायोटेक के पहला प्रिंसिपल कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग दूसरा कहता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सो so वट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग समझो सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है तुम्हारे पास कोई डीएनए है ये दिख रहा है सबको तुम्हारे पास बेटा जी डीएनए है या आरएनए है जेनेटिक मटेरियल है तुमने इसमें कुछ भी अल्टर कर दिया चेंज कर दिया अल्टर चेंज कर देना, जगह टी लगा दिया, जीन को एड कर दिया छेड़खान तो करोगे बताओ ये छेड़खानी तुम कहां करोगे दिमाग लगाओ मान लो मेरा डीएनए इस डीएनए के साथ मैंने बेटा जी छेड़खानी करी कुछ तो ऐड कर दिया ये देखो मान लो इस डीएनए को कट करके यहाँ पर सेगमेंट ऐड कर दिया क्या ये काम तुम इंजेक्शन से बॉडी के अंदर ही कर लोगे कि भाई मेरे डीएनए में चेंज कर दो मैम चेंज कर दो इंजेक्शन लेके आए और मेरी बॉडी में करने लग गए इज इट पॉसिबल बाय दैट नहीं भाई सेल निकालना पड़ेगा आप सेल लेंगे सेल को बॉडी से बाहर निकालेंगे सेल में से फिर आप उसका डीएनए बाहर निकालेंगे डीएनए पे एंजाइम्स को कुछ चलाएंगे कटवट करेंगे उसको

कंटामिनेंट फ्री इन्वायरमेंट यूज करना पड़ेगा तभी तो लैब में बेटा ग्लव्स पहन के जाना पड़ता है मास्क पहन के जाना पड़ता है शू कवर पहन के जाना पड़ता है पीपी किट टाइप पहन के चले जाते हैं हैं अपने लोग बिकॉज लैब में इतने इंपॉर्टेंट काम हो रहे जिसमें गलती का कोई स्कोप नहीं है ये जो सेकेंड टाइप में हम ये जो मैं आपको बता रही हूं ना जहां स्टेरिलिटी मेंटेन करनी है दिस इज आवर सेकेंड प्रिंसिपल जिसको मैंने क्या बोला है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग तो मेरे पास दो प्रिंसिपल हो गए पहला जिसमें मैं जीन्स को अल्टर कर रही हूं इसको मैंने नाम दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग दूसरा बेटा जिसमें मैं मैं मेंटेन कर रही हूं जिसको मैं क्या नाम दूंगी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्लियर हो गया मेंटेनेंस ऑफ कैसा कंडीशन कंडीशन ताकि मेरे ही डिजायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ हो और वो भी लार्ज क्वांटिटी में हो क्लियर हो गया चलिए बहुत बड़ा अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपने लोग डीएनए को क्रिएट कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैं भी बताऊंगी कैसे होगा उसकी मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं जीन क्लोनिंग कर रहे हैं और जीन को अपने लोग क्या करते हैं ट्रांसफर भी करते हैं राइट right? और अगर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भाई स्टेराइल एनवायरमेंट से एंटीबायोटिक बन रही है बन रहे हैं और क्या बन रहे हैं एंजाइम बन रहे हैं एंजाइम बन रहे हैं अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेना चाहती हूँ बैकग्राउंड में चले बेटा काओ वगैरह पे चले देखिए पास्ट में अगर अपने को अच्छे बच्चे पैदा करने होते हैं जैसे अरेंज मैरिजेस भी तो ऐसी होती हैं हम चाहते हैं हमारा वारिस बहुत ही वैसे तो ये वैसी बात हो गई बट कुछ लोगों का आज भी माइंड सेट है हम चाहते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी हो बहुत सुंदर दिखे फेयर हो हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही इंटेलिजेंट हो तो हम वैसे ही पेरेंट्स को चूज करेंगे सब कुछ बेटा जी आपके माँ बाप पे है जैसे मम्मी पापा होंगे वैसे ही बच्चे होंगे होता है कि नहीं होता है है ना मम्मी के पास जैसे कैरेक्टर्स है वैसे ही बच्चों पास आएंगे पापा पास जैसे कैरेक्टर्स है वैसे ही बच्चों पास आएंगे तो जनरली जब अरेंज uh, मैरेजेज में पहले के टाइम पे जब लड़के ढूंढने जाते थे तो दूस द यूज टू यू नो सी ऑल दीज फीचर्स की कैसी दिखती है कैसी नहीं दिखती है लेकिन अल्टीमेटली आखिर पता चल जाता था कि भाई अकेली मम्मी के होने से कुछ नहीं होगा पापा के भी कैरेक्टर्स बच्चों में जाते हैं तो सुपीरियर पेरेंट्स को यूज करते थे सुपीरियर पेरेंट्स को यूज करते थे एंड उनकी मीटिंग कराते थे मीटिंग करा के हम हाइब्रिड वैरायटी बनाते थे जिसमें मम्मी और पापा मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे भाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में काम हो जाता था अपना बढ़िया कैरेक्टर्स आ जाते थे लेकिन अगर कोई नुकसानदायक कैरेक्टर है हार्मफुल जीन है वो भी तो आ जाएगा नॉट रिक्वायर्ड चीजें वो भी तो आ जाएंगे है ना तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में काम के जीन तो आ ही रहे थे लेकिन जो अपने को नहीं चाहिए वो भी आ रहे थे कंट्रोल नहीं है ना किसको रोकें किसको आने दें वो तो बाय चांस वाला फैक्टर है जैसे गैमेट्स बनेंगे वैसे ही आगे जाके बच्चे आ जाएंगे है कि नहीं है यानी कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने लोग कर रहे थे तो 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 बेटा बेटा जी जी बड़े आ जा जा रहे रहे थे तो इसको कैसे ठीक किया जाए यार Asexual तो अपनी जगह है है में में बन 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 जाते हैं तो क्या रही लेकिन अगर मुझे दो मां बाप के फीचर एक में चाहिए तो मैं sexual में जाती थी लेकिन ठीक तो किसने किया इसको ठीक किया मेरे बायोटेक ने बायोटेक कहती है भाई तेरे को सिर्फ आई कलर का जीन लाना है मैं लाके दूंगा तेरे को सिर्फ हेयर टाइप का जीन लाना है मैं लाके दूंगा तेरे को सिर्फ इंटेलिजेंस का जीन लाना है मैं ला कर दूंगा यानी कि ये डिजायर्ड जीन के लिए अपने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है हमें बायोटेक से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लगाना है और डिजायर्ड डिजायर्ड प्रोडक्ट अपने को बनाना है तो यही लिखा हुआ बेटा

उसमें बेटा फायदा तो होता था लेकिन नुकसान क्या होता था अनडिजायरेबल जीन भी आ जा रहे हैं तो सोल्यूशन क्या निकाले हैं सोल्यूशन निकला जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लो ताकि बेटा डिजायरेबल जीन आए और अनडिजायरेबल तुम सीन से बाहर निकाल दो तो यही हम करने वाले हैं आज के बायो टेक्नोलॉजी में तो करेंगे क्या तीन बच्चे हैंड हां, करो अपना थ्री स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स थ्री स्टूडेंट्स हां जी तीन बच्चे मुझे चाहिए बच्चा नंबर वन टू थ्री एक बच्चा मैंने सिलेक्ट करे रजा नाम बहुत प्यारा रजा इसलिए सिलेक्ट किया हाँ जी एक मेरे पास आ गए हैं रजा रजा बेटा जी बहुत ही इंटेलिजेंट है क्या बताए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन सब माए चाहती हैं सारी माए चाहती हैं मेरा बच्चा रजा की तरह हो बहुत ही इंटेलिजेंट जो हर टेस्ट में अच्छा स्कोर करता है स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है यानी कि रजा के पास एक डिजायर्ड जीन है किसके पास डिजायर जीन है रजा के पास डिजायर जीन है अब बेटा जी एक और बच्चा आया मेरे पास जो उसके जैसा बनना चाहता है वो नहीं उसकी मम्मी चाहती है कि उसके जैसा बने वो बच्चा आया हाँ जी कौन हैंड रेस कर रहा है लेट मी जस्ट पिक इट कौन हैंड रेस कर रहा है तो so आई हैव um, जसप्रीत तो so जसप्रीत कौर को मैंने लिया जसप्रीत कौर खुद तो बेटा बड़ी मस्त मलंग है देखो पंजाबी हैं पंजाबी वैसे ही बहुत मस्त होते हैं इनको कोई ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं होती हम कैसा कर रहे हैं इनका मकसद होता है जिंदगी में खुश रहना और वो बहुत अच्छी चीज है बहुत अच्छा मोटिव है अल्टीमेटली जिंदगी में हम आए हैप्पी होने के लिए आए लेकिन जसप्रीत कौर की जो मम्मी है वो चाहती है कि मेरी बच्ची भी हर टेस्ट अच्छा करे वो चाहती है कि मेरी मम्मी अ, मेरा बच्चा भी नीट क्रैक करे इंटेलिजेंट हो तो मम्मी चाहती है कि भाई जसप्रीत जो है उस वो रजा जैसी बन जाए अब जो जसप्रीत में जीन्स आए हैं उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता ठीक है लेकिन उसमें ऐड जरूर किया जा सकता है तो मम्मी ने प्लान बनाया कि क्या कोई तरीका है कि रजा का ये इंटेलिजेंस वाला डिजायर्ड जीन मैं जसप्रीत कौर में डाल दू, अपनी बेटी में डाल दू अब जिसके अंदर जीन डाला जाता है, बेटा उसको बोलते हैं होस्ट तो मेरी होस्ट कौन हो गई है जसप्रीत कौर और जिससे डाला जाता है वो कौन है मेरा रजा तो रजा का बेटा इतना बड़ा जिनोब है देखो इतना बड़ा जिनोब है सारा नहीं चाहिए हमें हमें रजा का सब कुछ नहीं चाहिए हमें हाँ बेटा रजा का बस एक इंटेलिजेंस वाला जीन चाहिए तो ये है रज़ा का इंटेलिजेंस वाला, वाला जीन है ये है जसप्रीत कौर के सेल में चला जाए ताकि जसप्रीत कौर भी क्या हो जाए इंटेलिजेंट हो जाए देखिए मैं बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ ह्यूमन बींगस में ऐसा किया नहीं जाता है बिकॉज ऑफ द एसिकल रीजन पॉसिबल है बट किया नहीं जाता है तो हम बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझने के लिए कर रहे हैं अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है तो कैसे डालेंगे हमने मदद ली बायोटेक्नोलॉजी की तो हम लेकर आए एक कैंची कैंची का नाम होता है सिजर्स पे साथ साथ लिखती जा रही हूं तो सिजर्स लेके आए हमने रजा के सेल को बाहर निकाला डीएनए आइसोलेट किया डीएनए आइसोलेट करने के बाद बेटा जी मैंने इसमें से रजा का जीन जो है फायदे वाला जीन बाहर निकाल लिया बस मुझे यही चाहिए ना बाकी तो रजा के पूरे जिनोम से मुझे को कोई लेना देना नहीं है मुझे सिर्फ ये ऑरेंज वाला ही चाहिए ठीक है जी अब मुझे किसी तरीके से ये वाला रजा का जीन डालना है होस्ट में। होस्ट में मेरी कौन है जसप्रीत जसप्रीत कौर जस्प्रित कौर अपनी मम्मी मम्मी को को कह क्या के थक कुछ नहीं होगा इन सबसे। मेरे एंजॉय करने दो यार मजे करने आए हैं बल्ले बल्ले करेंगे मजा आएगा लेकिन मम्मी कह रही है नहीं भाई तुझे पढ़ाई करानी है मुझे मुझे तेरे को डॉक्टर बनाना है मुझे तुझे इंजीनियर बनाना है तो क्या किया जाए तो क्या किया जाए तो जबरदस्ती जसप्रीत कौर भी आ गई है ठीक है फिर कर लो जो करना है तो रजा का मेरे पास जीन आ चुका है इस जीन को हम लोग बोलते हैं डिजायर्ड जीन क्या बोलोगे मेरे बच्चों या फिर एलियन पीस ऑफ डीएनए भी बोलते हैं एलियन पीस ऑफ डीएनए भी बोलते हैं इसको होस्ट में डालने के लिए हमको जरूरत पड़ती है वेक्टर की वैसे वेक्टरलेस मेथड भी होते हैं बट वेक्टर की जरूरत पड़ती है वेक्टर कोई भी हो सकता है वी कैन यूज प्लाज्मे एज वेक्टर वी कैन यूज फॉर um, एग्जाम्पल मैंने को मेरे इस डिजायर जीन को जसप्रीत के सेल में डाल दे कैसे डालेगा तुम वेक्टर के जीन को भी कट करोगे वही सेम कैं से तो वही वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेकर आए इसको भी कट किया कट करने पे बेटा जी जगह बनाई जगह बनाने के बाद ये जो रजा का जीन है इस वेक्टर में डाल दिया अब ये वेक्टर क्या कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या फिर मैं इसको बोलूंगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्योंकि आपने न्यू कॉम्बिनेशन बनाया ना रिकॉम्बिनेशन माने न्यू कॉम्बिनेशन अब इस न्यू कॉम्बिनेशन को हम डालेंगे होस्ट सेल के अंदर ये जो प्रक्रिया होती है जो प्रोसेस होता है जिससे न्यू कॉम्बिनेशन को होस्ट सेल के अंदर डाला जाता है इसको क्या बोलते हैं जिस जिसको आता है कमेंट करते जाओ इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन लोग ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाएगी मेरा जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है किसके अंदर चला जाएगा होस्ट के अंदर चला जाएगा अब ये जो मेरा होस्ट है ये होस्ट क्या कहलाया दिस होस्ट इज नाउ कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट क्या कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट अब ये तो एक सेल है एक सेल का क्या करेंगे मुझे तो सारे सेल के चाहिए यानी कि अब इस ट्रांसफॉर्म होस्ट की कॉपीज बनाई जाएंगी कौन सी इंजीनियरिंग करो बताओ क्वेश्चन पूछ रही हूं। मुझे इस होस्ट बहुत सारी कॉपीज बनानी है कौन सी वाली इंजीनियरिंग करूं जेनेटिक इंजीनियरिंग करूं कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करूं बताओ जेनेटिक इंजीनियरिंग करूं या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करूं तुम बताओ कौन सी इंजीनियरिंग करा जाए जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा लिख दूंगी तब के अंदर डालना है मुझे कौन सी इंजीनियरिंग करूं मल्टीप्लाई करना है सेल को जब ही सेल को मल्टीप्लाई करना होता है तो कौन सी वेरी गुड मेरे बच्चों बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करके इसकी तुम मल्टीप्लाइड कॉपीज बना लोगे और जब मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जीन क्लोनिंग तो आपने यहां पर क्या किया जीन लिया कौन सा जीन लिया डिजायर्ड जीन तो पहला स्टेप ही होता है बायोटेक्नोलॉजी में आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन हमने रजा का जीन पहचाना आइडेंटिफाई किया और फिर निकाल लिया आइसोलेट कर लिया तो पहला स्टेप ये हो गया दूसरा स्टेप होता है इस डिजायर्ड जीन को किसी माध्यम के द्वारा होस्ट में डालना डाल दिया वेक्टर के द्वारा भी डाल सकते हो बिना वेक्टर के भी डाल सकते हो जब मेरा होस्ट बन गया ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट तीसरा स्टेप होता है इस होस्ट सेल को मल्टीप्लाई करवाना दैट इज द जीन क्लोनिंग यही प्रक्रिया हम पूरे चैप्टर में करते आएंगे ठीक है जी यही प्रक्रिया अपने पूरे चैप्टर में करते आएंगे यही है थ्री तो ठीक है, GM, GM है. जी? रजा अब कुछ बच्चे बोलते हैं है, मैम अब क्या रजा नालायक हो जाएगा रजा में से तो जीन निकाल दिया जसप्रीत इंटेलिजेंट होगी बताओ दिमाग लगाओ क्या रजा बिल्कुल नालायक रजा के नंबर आने खत्म रजा फेल होने लग जाएगा हां जी बताएं यस yes. किसको लगता है कि अब रजा फेल होने लग जाएगा और अगर नहीं हो रहा है फेल तो क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा रीजन बताओ ऐसे yes, no, yes, no, चल रहा है रीजन बताएं रीजन के बिना बात नहीं होगी रीजन बताए रीजन यस कवन गवन रीजन बताओ तुम बोलोगे तो मैं फेल भी कर दूंगी रजा को चलो रजा आप तुम खत्म अब जसप्रीत टॉप करेगी क्यों नहीं होगा वेरी गुड एक बच्चे ने यस वेरी गुड स्टडी टाइम ने ठीक आंसर दिया है कि रजा का तो एक ही सेल लिया था रजा के अंदर मिलियन ऑफ सेल हैं हम ये काम एक सेल में कर रहे हैं तो रजा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके एक दो सेल निकाल भी लिए इस काम के लिए रजा इज वेरी कूल कह रहा मैं तो वैसे टॉप करता हूं तू क्या कर पाएगी जसप्रीत ठीक है जी तो ये बात हो गई मेरे स्टेप्स की तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए

पहला हम एंजाइम्स को यूज करेंगे एक एंजाइम जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पहला एंजाइम मेरे पास कौन सा आएगा एंजाइम एंजाइम्स आएंगे जैसे रिस्ट्रिक्शन डीएनए डीएनए ये यूज करेंगे देन ट्रांसफर करने के लिए वेक्टर को यूज करेंगे अगर वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर है और एक कॉम्पिटेंट होस्ट को यूज करेंगे जैसे जसप्रीत का सेल अपने यूज किया जो उसको एक्सेप्ट कर ले क्या कर ले मेरे बच्चों जो उसको एक्सेप्ट कर ले ठीक है जी तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले मैं एक्सप्लेन कर दू तो एंजाइम्स बेटा मैंने आपको जैसे यहां पर दिखा रही हूं तीन कैटेगरी में डिवाइड करें पहला डीएनए पॉलीमरेजिस पॉलीमरेजिस एंड एंड कौन कौन से एंजाइम्स हैं आ जाए फ्री जब तक हम ब्लैंक पेज नहीं लेते ना चैन नहीं आता जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऑल्टर किसको किया जा रहा है डीएनए डीएनए मेरा क्या है न्यूक्लिक एसिड अगर मुझे न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करना है तो बेटा एंजाइम कौन सा यूज करेंगे न्यूक्लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है तो कार्बोहाइड्रेस प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीएस लिपिड को तोड़ना है तो लाइपेज वैसे ही न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना है तो न्यूक्लियस अब मान लो ये तुम्हारा इतना बड़ा न्यूक्लिक एसिड है मान ले, मान ले लिया अब बेटा अगर तो कोई ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को कोनों से तोड़ता है यहां पर कैंची चलती है ये कोनो से कोनो माने टर्मिनल एंड से तोड़ा इस एंजाइम को हम लोग डालेंगे इन द कैटेगरी ऑफ एक्जो न्यूक्लियजेस स कैटेगरी में डालोगे एग्जो एग्जो माने बाहर टर्मिनल बॉन्ड तोड़ते हो क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस डीएनए की बैकबोन कौन बना रहा है परसों बताया था बेटा एमबीआई की क्लास में इस डीएनए की बैकबोन किसने बनाई एम की क्लास में बताया था यस yes, मेरे बच्चों इस डीएनए की बैकबोन किसने बनाई यस वेरी गुड कौन है यहाँ पर फास्ट आंसर देने वाला जो फास्ट आंसर देगा आई विल टेक देयर नेम दर निमिष ने अच्छा आंसर दिया सिमरन कौर वेरी गुड

टेगरी इज कॉल्ड एज एंडो न्यूक्लिय भाई ये भी कौन से बॉन्ड तोड़ेगा शुगर फॉस्फेट ही तोड़ेगा लेकिन इंटरनल बॉन्ड तोड़ेगा कौन से बॉन्ड तोड़ेगा इंटरनल बॉन्ड तोड़ेगा क्लियर हो गया तो मेरा लेना देना इस चैप्टर में किससे है एंडोन्यूक्लिय है भाई एंडोन्यूक्लिय का ईजाद कहां से हुआ तुमने कहा से दिमाग लगाया कि बॉन्ड तोड़ लेता है भाई हमने नहीं बनाया सी बात है साइंटिस्ट सब हाथ खड़े कर दिए ये हमने नहीं बनाए हैं ये हमारा दिमाग नहीं है ये उनका दिमाग है जिनको कोई वैल्यू नहीं देता उसका दिमाग है प्रोक्रेट प्रोक्रियॉट को आज तक इज्जत मिली है नहीं मिली लेकिन देनी पड़ेगी जो काम करता है चाहे कितना छोटा हो चाहे कितना सिंपल हो इज्जत तो देनी पड़ेगी ना बेटा इज्जत तो देनी पड़ेगी तो मेरे पास थे बैक्टीरिया ये देखो मैंने प्रोक्रेट बनाया इनको नुकसान पहुंचाने के लिए आते थे खूब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियोफाज पता है ना कौन होते हैं तो ये मेरे कौन आते थे इनको नुकसान पहुंचाने बैक्टीरियोफाज आते थे अब बैक्टीरियोफाज अपना जिनोम इसके अंदर डालता था और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता था तुम्हें क्या लगता है बैक्टीरिया चुपचाप बैठा रहेगा तुम्हारे घर में चोर आए तुम चुपचाप बैठोगे तुम्हारे घर में गुंडे घुसाएं गुंडे घुसाएं कुछ तो बोलोगे कि ऐसे सूंगठी में चुपके बैठ जाओगे सर जो लेना है ले लो मेरे घर में ना मैं आपको बताता हूँ इधर आओ ये अलमारी पड़ी है इस अलमारी की चाबी इसके नीचे रखी है चाबी से अलमारी खोलो फटाफट इसमें ना दस लाख का सोना पड़ा है आप ले जाओ बस मुझे कुछ मत कहना मुझे कुछ मत कहना और भी मैं बताता हूँ और ये जो ऊपर अलमारी के ऊपर जो टैची पड़ी है इस टैची के अंदर भी मैंने एक लाख रुपए कैश रखा हुआ है वो भी ले जाओ ऐसा नहीं है बेटा बैक्टीरिया डरपोक नहीं है तुम्हारी तरह कि चोर को कहेगा गुंडे जी को कहेगा कि ये जहाँ दस लाख है यहाँ एक लाख है सब ले जाओ नहीं बैक्टीरिया हिम्मती है बैक्टीरिया ने सेल्फ डिफेंस किया बैक्टीरिया ने बैक्टीरियोफाज को मारने के लिए सेल्फ डिफेंस किया और बेटा जी क्या बनाए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीजिस बनाए इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज ने अल्टीमेटली इस बैक्टीरियोफाज के जीनोम को कट कर दिया यहां से हमें डिस्कवरी हुई कि कोई ऐसा एंजाइम होता है जिसके पास कटिंग की क्षमता है जो कैंची की तरह नाइफ की तरह काम करता है ठीक है एक तो ये काम दूसरा बेटा जब बैक्टीरियो इसको काटने के लिए एंजाइम बनाए तो भाई गलती से कई बार अपना भी तो कट सकता है हो सकता है गड़बड़ अपना खुद का काट के बैठ गए तो 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 और गड़बड़ हो जाएगी तो अपने आप को बचाने के लिए ये अपने जिनोम के साथ ना मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं मिथाइल ग्रुप मिथाइलेज यूज करके मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं और कुछ छुप के बैठ जाएंगे भाई जब चोर को मारने जाओगे डंडा लेके जाओगे खुद तो कवर करके जाओगे ना अपने आप को कंबल कम्बल डाल लोगे ताकि मुझे नुकसान ना हो राइट वही ये काम करता है खुद अपने जिनोम को मिथाइल ग्रुप से प्रोटेक्ट कर लिया एंड रेस्ट्रिक्शन से बैक्टीरियोफाज के जिनोम को काट दिया इस तरीके से डिस्कवरी हुई मेरे बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंड आज हमारे पास टोटल ये इंपॉर्टेंट है फिगर फैक्ट याद करना इंपॉर्टेंट है आज मेरे पास 900 हंड्रेड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है

अब मेरा मेरे को जन्म देने वाले पेरेंट्स जैसे आपको जन्म देने वाले होंगे यहाँ पर है एक तो पूरा नाम भी नहीं लिखते हो ना ये क्या नाम हुआ अखिल आरजेक्स काइंड ऑफ नेम दिस मतलब कुछ बोलना हो तो आपका नाम भी नहीं यूज कर सकते हैं ओके okay, जैसे हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल वी हैव शिवानी यादव हमारी क्लास की बच्ची बैठी है शिवानी यादव अब बेटा जहां से हमारा जन्म होता है ना उसको हम क्रेडिट जरूर देते हैं हमारे नाम में उसको क्रेडिट होता है मेरा नाम सीप पाहुजा है नाम तो मेरा सीप ही है ना पाहुजा मुझे कहां से मिला अपने पेरेंटल नेम से से मिला मिला ना पेरेंट से मिला। क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है शिवानी यादव शिवानी आपका नाम है लेकिन आपके नाम में कुछ ना कुछ अंश आपके यू कैन से पेरेंट्स का भी है तो वैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पेरेंट्स कौन है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पेरेंट्स है प्रोकैरियोट क्योंकि वहीं से लिया हमने तो इनके नाम में प्रोकैरियोट का नाम तो होना बनता है ना से लियो वाले का नाम इको आना चाहिए साथ में से ले रहे हो तो उसका नाम आना चाहिए तो जब हम इनकी करते हैं नेमिंग, जैसे मैंने समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्स बताया सब लिखा हुआ है इफ यू विल फॉलो बेटा जो जो मैं तुम्हें बताती जा रही हूँ ना यहाँ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ इस ब्लैंक पेज पे ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने नोट्स में एड करके रखी है ताकि तुम्हें इसकी थ्योरी की कोई प्रॉब्लम ना आए तो यू शुड से निश्चिंत स्क्रिबल जरूर करिए लेकिन परेशान मत होइए कि मेरे नोट्स कहाँ है ये सब आपको मेरे टेलीग्राम सीप पाह बायोलॉजी पर मिलेंगे गॉट इट चलिए अब करते हैं नामकरण आ जाओ बेटा नामकरण जब बच्चे का होता है ना तो स्पेशल वो लगता है फंक्शन होता है हमारे यहाँ तो फंक्शन होता है तुम्हारे यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं भाई पंडित जी आते हैं राशि निकालते हैं नाम रखते हैं ठीक है चलो अब जब भी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नाम देते हैं तो इनका पेरेंट का नाम आना बहुत जरूरी है जैसे एक बहुत फेमस रिस्ट्रिक्शन जिस जिसपे सवाल बहुत आते हैं इसका नाम है इको आर वन क्या नाम है इको आर वन ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसका जो पहला अक्षर है ये लिया गया है इसके पेरेंट यानी कि प्रोक्रियट यानी कि बैक्टीरिया के जीनस के पहले अक्षर से ये हमने लिया इशरिचिया से से ठीक है जी तो इशरिचिया का ई से ए को ए आ गया पहला अगले दो अक्षर लिए जाते हैं इनके सोर्स यानी कि बैक्टीरिया के स्पीशी नेम के पहले दो अक्षर पहले दो अक्षर माने को कोलाई का को तो इको आ गया ये जो अगला अक्षर आर लिया गया है ये लिया गया है फ्रॉम स्ट्रेन बैक, एक बैक्टीरिया के बहुत स्ट्रेन होते हैं तो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द आर स्ट्रेन और ये जो आई लिया गया है दिस इज ऑप्टेन फ्रॉम द ऑर्डर इस स्ट्रेन में किस ऑर्डर में डिस्कवरी हुई देखो इको आर वन इको आर टू इको आर से बहुत सारे एंजाइम निकले ना आर वन जो पहले डिस्कवर हुआ R2 जो बाद में डिस्कवर हुआ सो दिस इज हाउ वी नेम इट ठीक है एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ जैसे हिंद टू हिंद टू अब हिंद का नाम हिंद क्यों है हिंदुस्तानी है हम हिंदुस्तानी तो यार हम है ही हिंद का नाम हिंद इसीलिए क्योंकि एच जो लिया गया है इसका सोर्स कौन है हिमोफाइलस इंफ्लुंजे तो जो दीनस नेम इज एच Hemophilus. Hemophilus लिया गया है इन फ्लुजे में आई एन लिया गया डी ऑब्वियसली स्ट्रेन से किस ऑर्डर में ऑब्टेन हुआ है सो दिस इज अबाउट द नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एन जाइन इज दिस क्लियर मेरे बच्चों इज द नेमिंग क्लियर नामकरण कर लोगे कोई भी नाम दिया जाएगा कर लोगे ठीक है जी अब एक एक एंजाइम के ऊपर फोकस करते हैं एक एंजाइम मैं तुम्हारे सामने लेकर आती हूं जिसका नाम है इको आर वन पिछले मुझे लग रहा है अगर पांच छह साल का पेपर देखू छह में से चार साल तो इको पे ही सवाल आया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला एंजाइम। इको आर वन कोई भी एंजाइम हो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट चाहे ये हो चाहे हेमोफाइलस हो कोई ही एंजाइम उठा लो <laughs> हर एंजाइम डीएनए को जाके काटता है ठीक है ये किसका डीएनए है? रजा अब रजा की जगह मुझे लग रहा है नया बच्चा लेना पड़ेगा उसका डीएनए किसी का भी डीएनए है, ठीक है इस ने इस ने डीएनए को कट करना है पहला सवाल तुमसे क्या ये टर्मिनल बॉन्ड तोड़ेगा या इंटरनल तोड़ेगा बताओ क्या ये टर्मिनल बॉन्ड तोड़ेगा या इंटरनल तोड़ेगा कमान कमान टेल मी क्या आज सब बच्चे कमेंट कर पा रहे हैं तो लाइक क्यों नहीं हो रहा लाइक करके बता दो कमेंट कर पा रहे हैं देखने दो मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देते हो ना मुझे तो मुझे पता चल जाता है हाँ जी ओके यस yes, मेरे बच्चों वेरी गुड पहला आंसर आपने ठीक दिया कि भाई इंटरनल बॉन्ड तोड़ेंगे क्योंकि हम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है हम एक्सो न्यूक्लियस नहीं है अच्छा जो इको आर वन है ऐसे ही नहीं कि बेटा बीच में कहीं भी जाके ब्लाइंडली चल दिए अप्रोच नहीं चल रही है गधा अप्रोच याद है एच में कल कराई थी अब आदि जनता होगी वीपी एच जी पी किस चिड़िया का नाम है एम बी आई कौन है आते हैं बेटा हर क्लास में ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने मेरा पिछला क्लास लगाया नहीं होता एच जीपी माने ह्यूमन जुनोम प्रोजेक्ट एमबीआई माने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बेटा हमने वहां पर एक गधा अप्रोच की थी ब्लाइंड अप्रोच की थी मजाक में बेटा उसे बोलती हूँ अप्रोच बहुत अच्छी थी उसमें भी बहुत हमें हेल्प हुई थी हम a, में में बोलते हैं, थे. ठीक है? अब इको आर वन तुमको क्या लगता गदा है गधाई जेनेटिक्स से बाद में बायोटेक्नोलॉजी आती है पहले नहीं आती है इको आर वन गधा नहीं है इको आर वन किसी भी जगह जाके काटने नहीं बैठ जाएगा फॉर एवरी रिस्ट्रिक्शन एनजाइम फॉर एवरी रिस्ट्रिक्शन एनजाइन देयर इज अफिक साइट जहां पर वो कट लगाएंगे, लगाएंगे। इंटरनल 2, 2 मीटर है पॉइंट 2.2 मीटर में कहा काटना है चलो इकोलाई भी लेते हैं mm, इतना बड़ा डीएनए कहा काटना है एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहां वो काटते हैं उस लोकेशन को नाम दिया जाता है रिकॉग्निशन साइट रिकोग्निशन साइट बोल लो या फिर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट बोल लो ठीक है रिकोग्निशन साइट माने रिस्ट्रिक्शन साइट अब ये जो रिकोगशन साइट है यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है हर हर एंजाइम एंजाइम के लिए अलग हर enzyme, कहेगा मेरे को ये दिखेगा तो काटूंगा हिंद टू कहेगा मेरे को ये दिखेगा तो काटूंगा स्मारन कहेगा मेरे को ये दिखेगा तो काटूंगा तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस का जो ऑर्डर uh, होता है ना दैट इज ऑलवेज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पैलिनड्रोम कौन है पैलिंड्रोम बेटा ऐसे अक्षर होते हैं जिनको राइट से पढ़ो लेफ्ट से पढ़ो सेम पढ़े जाएंगे जैसे कि एम 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 ओ ओ को तुम राइट से से पढ़े पढ़े तो ही ही है लेफ्ट M -M ही है लेफ्ट जैसे कि मम्मी का नाम हो रहा है तो पापा का नाम कैसे छोड़ सकते हैं पिताजी का नाम भी ले, ले लेते हैं डी ए डी डैड डी ए डी डैड राइट से पढ़ा लेफ्ट से पढ़ा बिल्कुल सेम है और बेटा जी मेरा एक क्लासमेट होता था जिसका नाम था नितिन नितिन देखोगे इधर इधर से बड़ा, से बड़ा, वो भी भी सेम है, है। तो ये भी पैलिंड्रोम है। और बेटा नाम, हाँ, तो तो नाम हो सकता है एक लैंग्वेज है जो एग्जांपल देती है माला या लम माला या लम इधर से स्पेलिंग पढ़ोगे तो भी ये है इधर से स्पेलिंग पढ़ोगे तो भी ये है तो हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां पर वो कट लगाते हैं वो सीक्वेंस फाइव प्राइम टू प्राइम पढ़ो तो भी सेम है 3 5 तो का ये कितने का है? ये भी सवाल है बेटा इको आर वन का ये सीक्वेंस सिक्स बेस पेयर का है भाई बताओ क्या है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस बताओ अगेन अ क्वेश्चन अगेन जी ए टी टी सी जी ए ए तुमने इसको यहां से पढ़ा तो भी G -A -T -T -C है. यहां से पढ़ा तो भी G A टी टी सी है इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस. Is this clear? क्या सबको क्लियर हो गया ओके okay. मान लो मान लो इस मानने में एक मिनट पानी पी लें <coughs> ओके okay. मान लीजिए बेटा इको आर वन का सीक्वेंस यहाँ डीएनए में कहीं प्रेजेंट है तो मैं फिर से एक बारी बड़ा सा डीएनए बना लेती हूँ ये देखिए बड़ा सा डीएनए बना लिया या इसको स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं रुकिए है। तो स्ट्रेट लाइन में मैंने यहाँ पर डीएनए बना लिया ठीक यहां पर मेरा रिस्ट्रिक्शन साइट है इस रिस्ट्रिक्शन साइट को लिख देते हैं जी ए ए टी टी सी देन इधर हो जाएगा जी ए ए टी टी सी ठीक है कैंची आ रही है कैंची माने एंजाइम आ रहा है एंजाइम कट कहा लगाएगा क्या एंजाइम इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस के सेंटर में कट लगाएगा ये देखो ये सेंटर है या फिर एंजाइम सेंटर से थोड़ा दूर कट लगाएगा तो मेरे पास मेरे पास बेटा जी दो तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं ध्यान दीजिए मेरे पास दो तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिय होते हैं

या फिर सेंटर से थोड़ा सा दूर कट लगाऊ उस हिसाब से मेरे पास अलग अलग तरीके के एंड्स बनते हैं फर्स्ट एग्जांपल हम इको आर वन की ही लेते हैं इको आर वन जैसे कि इसकी रिकॉग्निशन साइट होती है जी ए ए टी टी सी है ना इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ जी ए ए टी टी सी ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं मेरे बच्चों जी ए टी टी सी जी ए टी टी सी कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं बताओ बताओ कौन से बॉन्ड से जुड़े बॉन्ड का नाम बता दो तभी बात बनेगी बॉन्ड का नाम बता दो सी 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 जी 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 सी 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 जी 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 कौन सा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी गुड अब जी ऊपर वाला स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से नीचे वाले स्ट्रैंड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों आपस में क्या है रिलेशनशिप में है लड़का लड़की है मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है बहुत गहरे रिलेशनशिप में है क्योंकि इनको जोड़ने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन कौन आया इनके रिलेशनशिप में टांग अड़ाने आए बेटा हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसने सेंटर से थोड़ा दूर कट लगाया देखो सेंटर सेंटर इसका ये बनता से थोड़ा दूर कट लगाया दूर कट लगाने से बेटा जी इतना हिस्सा गायब इतना जो हिस्सा है ना वो गायब हो गया दिस इज नाउ रिमूट ये वाला जो हिस्सा है वो रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास बचा क्या मेरे पास बचा जी सी टी टी ए ए यही बच गया यानी कि अब जो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड है बेचारे टूट गए बेटा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब अलग होते हैं ब्रेकअप ब्रेकअप होता होता है 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 के बाद बहुत सीन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है। रोना धोना सब चालू हो जाता है और जब हम रो रहे होते हैं ब्रेकअप के बाद एंड ओवरकम करने की कोशिश करते हैं तो हमें कौन चाहिए होता है हमें चाहिए होता है कंधा कंधा कौन होता है कंधा होता है मैं अभी अभी सिंगल हुआ हूँ रेडी टू मिंगल हूँ ये अभी सिंगल हुआ है बेटा ये अभी-अभी सिंगल हुआ है लेकिन रेडी टू मिंगल है ना ओवर हैं, न, लटक रहे हैं। इनको किसी से जुड़ना है, ही है न, में। मिलना, जुलना, इनको किसी से जुड़ना है तो ये जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस आपको दिखाई दे रहे हैं बॉन्ड्स बेचारे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं इन्होंने बनाया कौन सा एंड चिपकू एंड चिपकू एंड स्टिकी स्टिकी क्यों बोला मैंने क्योंकि बेटा ये चिपकू हो चुके हैं दे आर सिंगल रेडी टू मिंगल अब बस उसे, कोई ना कोई तो चाहिए चिपकने के लिए जैसे इसको कोई ना कोई मिल जाएगा ये पुराना बॉयफ्रेंड भूल के दूसरे से अपना टांका फिटा के सेट हो जाएगी ठीक चलिए ये तो बात होगी मेरे ऐसे लोगों की जिनको फर्क नहीं पड़ता कि साथ कौन है बस कोई ना कोई साथ में चाहिए एक दूसरी कैटेगरी के भी लोग हैं ये भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़े हैं इनका भी बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है

या फिर क्या कहलाएंगे एंड्स कौन से फ्लश एंड्स या फिर क्या कहलाएंगे एंड्स दोबारा मेरे पास नजदीक हुआ तो बेटा फ्लश कर दूंगी ठीक है जी याद रखना है ठीक इस तरीके से हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं डिपेंडिंग के अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस के सेंटर में काटते हैं या सेंटर से दूर काटते हैं अब मान लो ये सेंटर से दूर काटता है बेनिफिट आपको किसमें लग रहा है इसमें लग रहा है कि इसमें लग रहा है एंड में बेनिफिट लग रहा है या फिर ब्लंट एंड में बेनिफिट लग रहा है यस स्टिकी एंड लग रहा है या फिर ब्लंट एंड में बेनिफिट लग रहा है बताना क्या लगता है किसमें बेनिफिट है सेशन को लाइक तो कर दो यार फटाफट से सेशन को लाइक कर दो

तो जिस एंजाइम से वेक्टर को काटा उसी एंजाइम से फॉरन डीएनए को काटेंगे ताकि दोनों के स्टिकी एंड्स बेटा जी आपस में मैच हो जाए मैच हो जाएंगे तो स्टिकी एंड्स बेटा जी डीएनए जो कि जोड़ने वाला एंजाइम है उसको फैसिलिटेट करेंगे ये बेटा जी इसके साथ जुड़ जाएगा जाएगा एंड मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन यानी कि अगर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को काम करना है तो कैसे काम करेगा सबसे पहले पूरे डीएनए को पढ़ लेगा स्कैनिंग तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी स्कैनिंग

अगर मेरे पास स्टिकी एंड्स आ जाए स्टिकी एंड्स को अपना कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट मिल जाएगा तो उसको जोड़ने के लिए कौन चाहिए मेरे को लाइगेस तो अगर तुम्हें कोई पूछे लाइगेस के एक्शन को बढ़ाना है तो कौन चाहिए स्टिकी एंड्स चाहिए स्टिकी एंड्स होंगे तो आसानी से वो जुड़ जाएगा ठीक है जी चलिए अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी मेंशन है पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स कौन सा है हिंद टू. कहां से आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड इयर्स लेटर रिकॉग्नाइजेस द सीक्वेंस ऑफ सिक्स ये भी आ सकता है पहला रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कितना है कौन सा है एंड जो फर्स्ट प्रिपेयर किया था Herbert Boyer, 1972, yes. तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती थी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री कर लें हिस्ट्री कर लें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे बच्चों बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं कोशिश कर रही हूं बेटा हर तरीके से आपको समझाऊं, आपके पास प्रॉपर नोट्स भी जाए आप कोई क्वेश्चन भी गलत ना कर दें इसका प्रमाण आपको आज ही मिल जाएगा साढ़े सात बजे वाली क्लास में मजा आ रहा है तो बेटा सेशन को फटाफट से लाइक कर दो एंड मेरे साथ चैट में वार्तालाप करते रहा करो आ रहा है यस yes? चलिए तो एंड हर्बर्ट बॉयर ने सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन सेल लो या रिस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ए बोलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया कब काम किया बहत्तर में 1972 क्या तब तुम थे नहीं क्या मैं थी नहीं कोई नहीं था कोई बात नहीं इनका काम तो पढ़ना बहुत जरूरी है तो ने, है ने काम किया था उस बैक्टीरिया पर जो टाइफॉइड टाइफॉइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है सेलमोनेला टाइफी कौन सा है सेल्मोनेला टाइफी ठीक है सेलमोनेला टाइफी के पास अपना न्यूक्लियोइड है एंड इसके पास अपना

इसका जो नेटिव प्लाजमेट ने है ना सैल बना इसको बाहर निकाला ये देखिए मैंने बाहर निकाल लिया एंड इसके अंदर अपना रिक्वायर्ड जीन है डिजायर्ड जीन है इस पे बेटा कैंिया चलाइया चलाई छुरी तेरे दिल छियां एक पंजाबी गाना बेटा ऐसे छुरी माने नाइफ ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने छुरी चलाई यहाँ भी चलाई एंड अल्टीमेटली इस नेटिव प्लाजमेट से डिजायर्ड डीएनए अलग कर लिया यही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला डीएनए इसको मैं बोल दूंगी तू मेरा है

कट कर लिया जगह मिल गई जब मैंने इसको सेम कैंची से कट कर लिया सेम छी से कट कर लिया तो मैंने इसको इससे जोड़ दिया यानी कि यहां पर अपना डिजायर फैगमेंट आ गया अभी जो मेरा वेक्टर है, ये क्या कहलाया बताओ इसको नाम देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये कैसा डीएनए कहलाया ये कैसा डीएनए कहलाया बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए ठीक है अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से इन्होंने डाल दिया इकोलाई e. में तो डाल दो मेरे कॉम्बिनेंट डीएनए है इसको इकोलाई e. में डाल दिया यानी कि अब इकोलाई e. में साल्मोनेला के नेटिव प्लास्मिड का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है लेकिन अभी ये एक ही इकोलाई e. में है इसको सब में डालना है कैसे डालें जीन क्लोनिंग करेंगे कौन सी इंजीनियरिंग करेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सब में डालना है ना डाल दो ठीक है ओहो डाल दो मेरे बच्चों ओ ओ यस yes, सब में डालना है डाल देते हैं अब मैंने मल्टीप्लीकेशन करा दी है अब मेरे हर इकोलाई e. के अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो ये काम किया था कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर क्लियर है तो मेरे सारे इकोलाई e. कैसे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ठीक मेरे बच्चों कहां से लिया जीन सेल्वोनाला से डाला किसमें इकोलाई e. कौन है इकोलाई e. लिया कहां से उसके नेटिव प्लाज्मिड से ठीक है जी और क्या इसी नेटिव प्लाज्मिट को एज ए वेक्टर यूज किया नहीं कोई और प्लाज्मिट लेकर आए जिसको हमने एज अ वेक्टर यूज किया एंड ट्रांसफर किया इकोलाई के अंदर तो यही बात की गई है बेटा कि ने क्या काम किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो कि प्लाज्मिट में बैठा है सैलम की उसको डाला था इकोलाई के अंदर उसको डाला था मेरे बच्चों इकोलाई के अंदर चलिए तो पहला हमने कर लिया है दैट इज एंजाइम्स एंजाइम्स आर इट डन अगला जो टूल है रिकॉम्बिनेंट डेन टेक्नोलॉजी का दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर हाँ जी क्या दिक्कत होगी क्या गलत लिख भावनाओं पे नहीं जाएंगे भावनाओं पे नहीं जाएंगे बोल रही हूँ बॉयर हर्बर्ट बॉयर ठीक है भाई दोनों को भाई बना दिया था भाई नहीं है ये भाई नहीं है समझा करो यार समझा करो ठीक है समझा कर लो यस yes, अब तो ठीक है अब मुझे बख्श दोगे तो अब मुझे प्लीज बख्श दो तो. उसका सरनेम क्या चेंज कर दिया सरनेम चेंज करने पे तुमको इतनी आग लग गई बट अच्छी बात है उसके माता पिता ने उसके दिया हुआ जो नाम है उसको कैसे चेंज कर दे नहीं कर सकते यार, नहीं चेंज कर सकते सही बात बिल्कुल सही बात चलिए क्या इसके अलावा पीछे रख देती हूँ इसके लाइगेस लिखा हुआ है अपने लोग डीएनए पॉलीमरेज किस यूज करेंगे डीएनए पॉलीमरेज करेंगे यहाँ पर अपने एनजाइम डन एंजाइम के बाद बेटा नेक्स्ट टूल आता है कौन सा टूल आता है वेक्टर भाई वेक्टर कौन है वेक्टर बेटा जी एक कैरियर व्हीकल है एक कैरियर व्हीकल है जो कि रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को पहुंचाता है होस्ट के अंदर ठीक है एक अच्छा वेक्टर कौन कौन है 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 एक अच्छा कौन होता है? वैसे होता है ना? अच्छा इंसान होता होता वैसे ना वेक्टर वो है जिसके साथ इजी लिंकेज हो जाए डीएनए की इजी लिंकेज ऑफ फॉरेन डीएनए यस बेटा मानते हो इजी लिंकेज ऑफ फॉरेन डीएनए एक अच्छा वेक्टर वो है जिसका कॉपी नंबर बहुत हाई हो मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाने की क्षमता रखता हो एक अच्छा वेक्टर वो है जहां पर अपने लोग सिलेक्शन कर पाए किसकी रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट मेरे को कौन चाहिए रिकॉम्बिनेंट चाहिए या नॉन रिकॉम्बिनेंट्स चाहिए रिकॉम्बिनेंट यस yes. कौन चाहिए रिकॉम्बिनेंट चाहिए भाई बाकी मुझे क्या करने हैं रिमूव करने हैं तो व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ वेक्टर

और यही आर आई है जो कि कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है कि कौन कितनी कॉपीज बनाएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इट कंट्रोल्स इट कंट्रोल्स कॉपी नंबर आल्सो किसको कंट्रोल करता है मेरे बच्चों कॉपी नंबर को तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आए पूरे वेक्टर में कॉपी नंबर कौन कंट्रोल करता है ओ आर आई कौन कंट्रोल करता है ओ आर आई ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ मी शो यू ये एक वेक्टर का एक डिपिक्शन है जो आपकी एनसीईआरटी देती है क्या इस वेक्टर में ओ आर आई है ये बैठा

एक वेक्टर के पास नंबर टू पे एक वेक्टर के पास इस पर होना चाहिए क्या होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर मेरे बच्चों बताओ किस किस ने मेरे से सिलेक्टेबल मार्कर का कॉन्सेप्ट पहले समझा हुआ है अगर आपने पहले समझा हुआ है तो बड़े तो मजे से समझ आएगा अगर नहीं समझा हुआ है तो और किसी से नहीं समझ पाओगे यही समझ पाओगे ये भी मैं गारंटी ले लेती हूँ

वेरी गुड तो तुमसे ही पूछूंगी फिर मैं रेडी हो जाओ तो जाऊल मार्कर वो होता है जिससे हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से पता लगाते हैं डिफर करते हैं देखो बेटा जब भी एक सेल होता है ना जब भी एक सेल होता है वो सेल इट इज नॉट लाइक कि सारे में ही हमारा जीन क्लोनिंग हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा लेट मी जस्ट शो यू लेट मी शो यू तो कर दू दिखा दू तुम्हें एक मिनट रुको मैंने हाँ जी यहां पर कैसे बनाया है रुकिए यहां भी मैंने लिख दिया है एक अलग तरीके से बट मैं पहले आपको अपने तरीके से सिखाती हूँ फिर मैं वहां पर पढ़ाऊंगी ये मेरे पास होस्ट है ये मेरे पास क्या है होस्ट है और ये होस्ट 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 और स्क्वायर बनाना इस में मुझे ये रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल डालना है इस होस्ट में मुझे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल डालना है होस्ट मेरा फॉर एग्जाम्पल प्रोकैरियोट है तो मैं यहाँ पर प्रोकेर ही बना लेती हूँ इसका खुद का न्यूक्लियोइड है ठीक है मान लीजिए मान लीजिए यहां पर जो मैंने वेक्टर यूज किया है ये कौन सा वेक्टर है प्लाज्मिड बी आर थ्री ट्वेंटी टू कौन सा है प्लाज्मिड बी आर थ्री ट्वेंटी टू अगर हम सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे देखते हैं तो वी यूज मल्टीपल थिंग्स या तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन देखेंगे देखो अगले दस मिनट बहुत ध्यान से देखना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होता है बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं लेकिन जो वेक्टर मैं यहां पर बना रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी भी देती है

लेट हो गया ये थोड़ा सा बहुत लेट हो गया लेकिन मिस जरूर कर रहे थे बताओ मर जाएगा जिंदा रहेगा सब बजे बताएंगे अगर मैंने इसको एंटीबायोटिक दी बेटा इसके पास रेजिस्टेंट जीन है ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इट विल स्टे इट विल सरवाइव जिंदा रहेगा वेरी गुड सेम बेस को अगर मैं टेट्रासाइक्लिन दूंगी टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखूंगी तो भाई

इंसर्ट करने के वजह से जीन खराब हो गया जीन खराब होने का मतलब है इसको बोलते हैं इंसर्शनल इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इंसर्ट करने के बाद बेटा जी क्या हो गया इनएक्टिवेट हो गया क्या हो गया मेरे बच्चों इनएक्टिवेट यानी कि अब क्या ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बना बचा बताओ क्या ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बचा नहीं बचा ये अब क्या हो चुका है टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो चुका है टीईटीएस अब तुम इसको टेट्रासाइक्लिन दोगे क्या ये सरवाइव करेगा दिया। ये जीन इंसर्ट होने की से हो गया। क्या अब ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सरवाइव करेगा नहीं इट विल डाई तो जिस जगह पे तुम अपना फॉरेन डीएनए डालते हो ना तुम जान उसी के उसी जगह पे डालोगे जहां सिलेक्टेबल मार्कर है यानी कि या तो तुम यहाँ डालोगे इस वाले जीन पे

हमारे काम की क्लोनिंग साइट वो है जो सेलेक्टेबल मार्कर पे प्रेजेंट है तो मान लीजिए आपने इस वेक्टर में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर मतलब राइट साइड पर आपने इंसर्शन की जिससे टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिविटी हो गई तो मैं यही कर लेती हूँ ये देखिए ये मेरा प्लाज्मिड BR322 है मैंने राइट साइड पर टेट्रासाइक्लिन पे इंसर्शन की ठीक है जी अब मेरी कोशिश है ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए घुस जाए ट्रांसफॉर्म हो जाए होस्ट के अंदर तीन केस हो सकते हैं बेटा तीन केस यहाँ पर बन सकते हैं केस वन केस टू केस थ्री केस का अपना न्यूक्लियोइड है देखिए कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं होता है हो सकता है इसके अंदर जाए ना अगर इसके अंदर नहीं गया तो ये तो कहलाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो सकता है इसके अंदर जाए ही ना तो ये बन गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है हो सकता है गया लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाला नहीं गया प्रॉपर ही चला गया हो सकता है गया लेकिन प्रॉपर ही चला गया तीसरा केस क्या हो सकता है गया लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाला ही चला गया यानी कि मेरे जो ये दो हैं, ये ट्रांसफॉर्मेंट हैं इसके अंदर कुछ तो गया लेकिन जो बीच वाला है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट समझ गए नाम देखो नाम नॉम देखिए और ये वाला क्या है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट अब एक मीडियम में आपको ये तीनों तरीके के सेल मिल रहे हैं तुम्हें चाहिए कौन से ये यू बेसिकली नीड ये है ए ये है बी ये है सी आपको एबीसी में से कौन चाहिए तुम बोलोगे मुझे सी चाहिए ना बी चाहिए ना ए चाहिए सिलेक्ट करो सिलेक्ट करो कैसे करोगे कैसे करोगे सिलेक्ट सबसे पहले हम इसको रखेंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सो so, कैसे सिलेक्ट करेंगे आ जाइए मेरे बच्चों सिलेक्ट करते हैं, हैं कि मेरे को सी चाहिए बाकी सब मेरे किसी काम का नहीं है तो सबसे पहले बेटा सबसे पहले हम इसको रखेंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में इधर वाला मीडियम कौन सा था एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन मीडियम में रखो सबसे पहले रखो इसको एम्पिसिलिन मीडियम में रखो बताओ क्या एम्पिसिलिन मीडियम में ए ग्रो करेगा वेल दिस ए बी एबल टू सर्वाइव इन एम्पिसिलिन मीडियम बताइए क्या ये ए एम्पिसिलिन मीडियम में सर्वाइव करेगा तुम खुद बताओ भाई ए के पास कुछ नहीं है कोई जीन नहीं है इसको बचाने के लिए कोई नहीं आया कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं आई ये तो नहीं सरवाइव कर पाएगा इसका तो हो गया काम खत्म इट विल डाई अच्छा क्या बी सरवाइव करेगा

हमने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर दिया यानी कि फर्स्ट स्टेप में वी हैव सिलेक्टेड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट एक स्टेप क्लियर हो गया एक तो बाहर निकले फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट अब मेरा अगला स्टेप क्या है कि भाई इन दोनों में से मेरे को ये चाहिए ये नहीं चाहिए ये तो बाहर निकाल दी हमने अगला मीडियम जो आप लेंगे दैट इज गोइंग टू बी टेट्रासाइक्लिन मीडियम टेट्रासाइक्लिन मीडियम भाई इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते दिस इज नॉट एप्लीकेबल ये तो वैसी बाहर है बताओ क्या बी टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करेंगे ये है बी क्या टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करेंगे तुम खुद बताओ क्या <floors> बी टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करेंगे भाई टेट्रासाइक्लिन मीडियम में वही ग्रो कर सकता है जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सही सलामत है बी के पास अगर तुम देखोगे इधर है टेट्रा रेजिस्टेंट जीन ये तो ठीक है ये तो एक्टिव है इसमें कुछ इंसर्ट नहीं किया कुछ इनएक्टिवेट नहीं किया यानी कि ये तो ग्रो कर जाएगा कौन ग्रो नहीं करेगा ये बिकॉज नाउ इट हैज बिकम मैं सी को लिख सकती हूँ कि तुम बन चुके हो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बी मेरा अभी भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है ये ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक है ये ग्रो नहीं कर पाएगा तो दिस इज हाउ वी हैव सिलेक्टेड सेकंड वाले स्टेप में सेकंड मीडियम से हमने किसको किससे सिलेक्ट किया रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ठीक है मेरे बच्चों सिलेक्ट कर लिया अब सिलेक्ट कर लिया एक क्वेश्चन किसी के दिमाग में यार आना चाहिए मैं हर बार ही पूछती हूँ आना चाहिए कि मैम मेरे को चाहिए थे सी और आपने सी वाले मार दिए किसने सोचा ही नहीं सिलेक्ट करने चले थे और उन्हीं को मार दिया उन्हीं को खत्म कर दिया तो काय का सिलेक्शन अब आगे कैसे काम करेंगे डीपीपी <laughs> मिलेगी यस बेटा मिलेगी बिल्कुल आज टेस्ट भी तो है टेस्ट में भी तो 60 का डीपीपी कराती मैं मैं दो DPP's देती बेसिकली आपको आपको एक डीपीपी में लाइव आपको टेस्ट के फॉर्म में कराती डीपीपीजी जो साढ़े सात बजे लिंक पिन किया हुआ है यहां पर लाइव चैट में प्लीज उसमें एनरोल कर लो नहीं आए तो तुम्हारा नुकसान है बहुत अमेजिंग है उस डीपीपी में हर टाइप के क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक भी और एक टेलीग्राम पे शेयर करूंगी जो आप सॉल्व करेंगे जो चाहिए था उसी को मार दिया बेटा हमने मारा है लेकिन बेसिकली एक्सपेरिमेंट ना एक प्लेट पे नहीं किया जाता इट्स अ रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट आप इसका रेप्लिका भी बनाते हो तो आपको दिख जाता है अगर इधर इस साइड वाले बैक्टीरिया मर गए मतलब मुझे राइट साइड वाले ही चाहिए ठीक है है रेप्लिका पे एक्सपेरिमेंट होता ऐसे नहीं होता चलिए सो विद विद दिस वी आर डन द सिलेक्शन बढ़िया सिलेक्शन हुआ एंटीबायोटिक की मदद से लेकिन तुम देख रहे हो कितना समय लगा एक तो रेप्लिका बनाओ फिर पहले एम्पिसिलिन डालो फिर टेट्रासाइक्लिन डालो यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही कम्बर है क्या है कंबर सिंपल भाषा में औखा इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस मुझे नहीं अच्छा लगा ये टू स्टेप प्रोसेस यार दो दो बारी करेंगे बैठ के वेले थोड़ा है हम तो शॉर्टकट के जमाने में आए हैं हम तो बिकॉज को बी सी जेड लिखते हैं है ना हम टेक टॉक टू यू लेटर को टी टी वाई एल लिखते हैं हम हैप्पी बर्थडे को एच बी लिख रहे हैं हम गॉड ब्लेस को यू लिख रहे हैं हम रेस्ट इन पीस को आर आई बी लिख रहे हैं हमारे पास समय क्या है हम तो एस एम एस लैंग्वेज के महारथी हैं हमको नहीं हो पाएगा ये दो दो स्टेप करना शॉर्टकट बताओ भाई शॉर्टकट बताओ शॉर्टकट भैया लेकर आए उन्होंने कहा शॉर्टकट चाहिए ना तुमको तुम वेक्टर चेंज कर लो तुम्हारा इससे काम नहीं बनेगा vector change vector change तुम, वेक्टर तुम वेक्टर चेंज कर लो वेक्टर चेंज करके ले आओ अब तुम वेक्टर कोई और चूज करो शॉर्टकट चाहिए ना तुमको तुम्हें एस एम एस लैंग्वेज लिखनी है तो तुम वेक्टर चेंज कर लो एक छकेंड तो हमने वेक्टर नया लिया एंड इस वेक्टर का नाम है प्लाज्मेड यूसीच प्लाजे यू सी एट यू सी माने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इस प्लाज्म में बेटा जी यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है इस जीन का नाम है जेड जीन जेड जीन ठीक है जी इसी जीन पर सारी साइट सारे एंजाइम्स की साइट है इसी जीन पर इको आर वन का साइट है इसी पर स्मा वन का साइट है बेटा ये स्टार्टिंग का ही बस समझने है। उसके बाद तो एक ही जगह पर प्रेजेंट है इधर ये लैकजेड जीन मतलब ग्रीन वाला हो गया ये सारा लैक्सेड है जिसपे साइट है एंड बेटा जी इधर एम्पिसिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पर इधर कौन सा है एम्पिसिन रेजिस्टेंट जीन है एम्पिसलिन समझ आ रहा है ना यस yes, मेरे बच्चों समझ आ रहा है ना <coughs> कह रहे मजा आ रहा है मजा तो आए गई एस एम एस लैंग्वेज के जो जो हो तुम मजा तो आए गई यस yes, मेरे बच्चों यस हां जी

जेड का काम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाना है कि नहीं जस्ट तरह बेटा ऊपर होता है ओके <laughs> oh, okay. जी तो लैक जेड का काम क्या है बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाना बीटा गैलेक्टोसिडेज चलो ठीक है अब बेटा हम कह रहे हैं कि बी आर थ्री ट्वेंटी टू यूज नहीं करते यूसीए यूज करते हैं यहाँ पर अपना फॉरन जीन मैंने इंसर्ट किया कर दिया अगर आप अपना डीएनए इसका ओ आर आई यहाँ पर प्रेजेंट है

अगर हम प्लाज्मिड डी एट यूज करते हैं तो जो मेरे रिकॉम्बिनेंट्स होंगे जिसमें फॉरेन डीएनए एन है वो किस रंग की कॉलोनी देंगे वाइट कलर की और जो मैंने नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है वो किस कलर की कॉलोनी देंगे वो किस कलर की बेटा जी कॉलोनी देंगे ब्लू कलर की तो ये सिचुएशन है बेटा यहां पर सिलेक्शन की एक ही स्टेप में हो गया ना एक ही स्टेप में इस सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग ये बेटर है उससे इट इज नॉट अ कंबर सम ये बड़ा नहीं है शॉर्टकट में हो जा रहा है दिस इज कॉल्ड एज ब्लू वाइट स्क्रीनिंग क्लियर यस मेरे बच्चों दिस इज कॉल्ड एज ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग ओके तो ये बात होगी मेरे प्लाज्मिट की एक प्लाज्मिट के अंदर हमने ओ आर आई देखा एक प्लाज्मिट के अंदर हमने क्लोनिंग साइट देखा अगर कोई तुमसे पूछे एक प्लाज्मिट के अंदर जो क्लोनिंग साइट है वो एक एंजाइम की एक होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए बताओ नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट्स के बारे में बताओ नंबर ऑफ़ क्लोनिंग साइट जैसे यहां पर क्लोनिंग साइट है क्या मैं एक ही रखू कि एक दो और एड कर दू तुम कहते हो तो कर देते बैम एच होनी चाहिए देर शुड बी ओनली वन क्लोनिंग साइट फॉर वन एनजाइम वाई अदरवाइज कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ना

मैंने अपना रिस्ट्रिक्शन फॉरन डी एर ने पीवी यू वन पर डाला तो यू शुड नो वेयर पी व्यू वन इज वेयर बैमच वन इज वेयर सॉल इज ओके इसको याद करना है आपने तो विद विद दिस वी आर डन द प्रॉपर्टीज क्लोनिंग साइट मैंने आपको बता दिया सिंगल होनी चाहिए ठीक है अदरवाइज कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी चलिए तो अब आगे बढ़े ये देखिए यहां पर इसने करके भी दिखाया जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया ना ये देखिए फॉरेन डीएनए यहाँ डाला ब्लैक कलर से डाला तो हम भी ब्लैक से डाल देते हैं इससे क्या हुआ Insertional inactivation. Insertional inactivation हो गया। इस वजह से क्या हुआ तो अभी भी है लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बेटा जी खत्म हो गई है ना खत्म हो गई यही मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया चलिए ये हो चुका है अब बेटा जी बात करते हैं कि कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं सबसे पहला जो क्लोनिंग वेक्टर जो मेजरली यूज होता है दिख रहा है सबको मेजरली जो क्लोनिंग वेक्टर यूज होता है दैट इज को यूज करते हैं प्लाजमेट हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है सर्कुलर है डबल स्टैंडर्ड डीएनए बेसिक चीज भी आ सकती है क्या प्लाजमेट क्रोमोजोमल या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल एक्स्ट्रा सिंगल या डबल डबल स्टैंडर्ड ये इंडिपेंडेंटली काम करता है इसको मेन न्यूक्लियोइड से कोई लेना देना नहीं है इसमें दे में वन और टू कॉपी पर सेल और इवन पंद्रह से सौ कॉपीज भी हो सकती है एक सेल में इस तरीके से दिखाई दे रहा है देख रहे ना एक कॉपी भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है अपना अलग से रेप्लीकेट करेगा किसी से और लेना देना नहीं है इसके अलावा बेटा जी और भी क्लोनिंग वेक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर यूसी एट बताया ये देखो प्लाज्मिड यूसी एट के बारे में दिया हुआ जिसमें लैकजेड जीन है लैकजेड जीन को जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कौन बताया एक्स गैल ये मैं सब बता चुकी हूँ ठीक है एक्स गैल अगर नॉन रिकॉम्बिनेट नीले रंग की कॉलोनी आएगी अगर रिकॉम्बिनेंट है तो व्हाइट कलर की कॉलोनी आएगी यस yes, मेरे बच्चों ठीक है जी चलिए अब मैं कुछ और वेक्टर्स के बारे में नाम लिखना चाहूंगी जो आपको याद होने चाहिए जो आपको याद होने चाहिए रेडी देर आर सर्टेन अदर वेक्टर्स बता दो फटाफट फड़ से पहला वेक्टर तुमने कौन सा देखा दिख रहा है सबको इसको इधर रख लेती हूँ चैप्टर बस अब समाप्त तो होने वाला है इसके बाद बस पॉइंट्स हैं और उसके बाद इतनी जल्दी तो नहीं हाफ एन आवर तो लगेगा ही बट क्या तुम हाफ एन आवर तक जिंदा रह पाओगे बताओ जिंदा माने क्लास में जिंदा रह पाओगे तुम हाँ हार मान लोगे हार बेटा आज मान गए तो हमेशा मान गए कल मैं इसका दूसरा चैप्टर कराने वाली हूँ लेकिन अगर आज की क्लास में तुम हार माने और आज तुम कक्षा लगाने नहीं आए साढ़े सात बजे वाली तो बेटा कल का चैप्टर नहीं होगा आधा घंटा हार तो नहीं मानोगे चलिए प्लाज्मेड है और कौन से बैक्टीरियो फाज भी एज अ वेक्टर आप यूज कर सकते हो एनसीआरटी भी बोलती है

मान लो बेटा जी मेरा होस्ट कौन है प्लांट है तो मैं किसको यूज करूं? इस पे भी सवाल आ तो मैं किसको यूज करूं तो मैं यूज करूंगीरियम किसको यूज करेंगे टी आई प्लाजमेट ऑफ एग्रो बैक्टीरियम फेशियंस फेशियूमी फेशियंस ठीक है जी अब देख ले कौन सी नाम कौन चिड़िया ये टी आई कौन है प्लाज्मिट कौन है भाई एक ना बैक्टीरिया होता है जो डायकॉट प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचाता है ये मेरा डायकॉट प्लांट है ठीक है डायकॉट प्लांट है इसको नुकसान पहुंचाने के लिए एक मेरा बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम को मैं ए लिख रही हूं ट्यूमी दिख रहा है हां दिख रहा है ठीक बैक्टीरिया है तो भाई इसके पास अपना जीनोम होगा न्यूक्लियोइड अब बैक्टीरिया है तो इसके पास अपना ना प्लाज्मिट भी होगा इस प्लाजमिड का नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाजमिड टीआई टीआई माने ये ट्यूमर कॉज कर सकता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाजमिड तभी इसका नाम है टीआई प्लाजमिड अब इस पूरे प्लाजमिड में क्या चीज है जो ट्यूमर कॉज करती है एक डीएनए है डीएनए का सेगमेंट है दिस डीएनए का सेगमेंट इज कॉल्ड एस्टीडीएनए टी डीएनए माने ट्रांसफर डीएनए कौन सा डीएनए है ट्रांसफर डीएनए ठीक है अब जब बेटा जी ये इसके नजदीक आता है ना डायकॉट प्लांट के इसको मैं लिख देती हूँ डायकॉट प्लांट तो भाई ये इसको नुकसान पहुंचाता है इसको बीमारी कर देता है बीमारी करता है, कौन सी बीमारी करता है क्राउन गॉल डिजीज यहाँ पे ऐसे बीमारी कर दी इसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज अच्छी बात है क्या ट्यूमर कर दिया बेटा प्लांट को अच्छी बात नहीं है नुकसानदायक चीज है तो दिमाग लगाया किसने दिमाग लगाया दिमाग लगाया बेटा साइंटिस्ट ने साइंटिस्ट कहते हैं बीमारी कौन कर रहा है तो टी डी एन ए ना तुम टी डी एन ए को हटा दो रिमूव कर दो टी को रिमूव कर दो तो, तो बीमारी कॉज करने वाला जो डी है इसको अपन लोग क्या कर देते हैं हैं रिमूव कर देते तुम कहते हो तो कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो टी टीडीएनए को हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया या फिर हम इसको बोलेंगे डिसआर्म कर दिया एंड इसकी जगह मैंने अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया बेटा डिजायर्ड जीन तुमने यहां डाल दिया

रेट्रोवायरस प्लस शटल वैक्टर्स ये भी यूज कर सकते हो शटल वैक्टर्स ठीक है मेन जो आपको याद रखना है जो एनसीआरटी में दिया दैट इज रेट्रोवायरस में क्वेश्चन आया था कि देर इज अर इज अ सेल विच इज लिम्फोसैटिक सेल लिम्फोसाइट है उसको उसमें वैक्टर चाहिए कौन सा वैक्टर यूज करें तो वहां खुद दिमाग लगाना था कि लिम्फोसाइट कौन है लिम्फोसाइट की एनिमल सेल है प्लांट सेल है बैक्टीरियल सेल है तो पता चला लिम्फोसाइट तो एनिमल सेल है तो इसीलिए अपन लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे रेट्रोवायरस यूज करेंगे यस yes, मेरे बच्चों चलिए तो टीए प्लाजमेट की मैंने आपको पूरी कहानी यहाँ पे सिखा दी है यही लिखा हुआ है प्लांट और प्लांट को ट्यूमर कॉज कर रहे हैं ठीक है जी ट्यूमर कॉज यहाँ पर कर दे रहे हैं फिर हमने टी आई प्लाजमेट को क्या कर दिया डिसाम निहत्था टीडीएनए निकाल दो निहत्था हो गया निहत्था होने के बाद बेटा जी अब हम उसको यूज करेंगे यूज़ करेंगे अपने जीन को प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरियो भी सकते हो क्योंकि उनका बोलोगे बैक्टीरियो फाज और क्या यूज कर सकते हो रेट्रोवाइर भी यूज कर सकते हो रेट्रोवायरस मैंने बताया है हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल सेल में यूज किए जाते हैं इनको भी डिसम किया जाता है क्लियर मेरे बच्चों क्लियर चलिए अब करते हैं

जी लाइक जरूर कर देना बेटा अच्छा लगे तो ओके okay. hmm. <coughs> हैं एक तो ये बच्चे नई नई चीज लाते हैं राज्यवर्धन सिन्हा कह रहे हैं नीट पोस्टपोन होगा ड्यू टू कोविड नाइनटीन कहाँ है कोविड नाइनटीन अभी भी दो साल पहले तीन साल पहले के समय में चल रहे हो क्या बेटा ये जो नीट पोस्टपोनमेंट की खबरें फैलाते हो ना और उम्मीद भी करते हो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो ना नीट पोस्टपोन होना ready, थोड़ा बंद करे एंड साथ में स्नैक्स खोल लो चिप्स खा लो क्योंकि अब समय शुरू हो चुका है चलो तो so, कह रहे हैं तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है वो तो लगती है बेटा लगता है कहां से चलो एनीवे तो इस कदर मुझे अपने करीब लगता है तुझे अलग सोचूं तो अजीब लगता है ये दोस्ती ये चाहती ये मोहब्बत सब क्या है ये दोस्ती ये चाह अच्छा चाहते मैंने चाहती बोले रहा ये दोस्ती ये चाहते मोहब्बत ये सब क्या है तू मुझे मेरा नसीब लगता है वाह व्हाट अ पथेटिक शेर जो आपने यहाँ पर लिखा है इसमें वाह वाह भी पथेटिक तरीके से करना पड़ेगा <laughs> अनन्या कह रही दिस इज इज फर्स्ट टाइम इट इट इनफ़ वरी जो भी बच्चे पहली बार कर रहे हैं अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली हाँ जी ये हरे वाले जो हंसते हैं ना ग्रीन इमोजी से आई रियली लाइक इट मुझे लग रहा है ग्रीन इमोजी से हंसना चाहिए इससे सही रोस्टिंग होती है <laughs> चलिए हो गया ब्रेक खा लिया सबने क्या खाया बताओ काम की चीज खाई तो बताओ काम की चीज खाया करो जैसे मैं अभी काम की चीज खाने वाली हूं काजू वाजू खाया करो ठीक है नहीं बेटा हम ब्लॉक नहीं करते हैं ऐसे बच्चों को भाई तुम्हारा तो कॉम्पिटिशन कम हो रहा है दो चार बच्चे आते हैं पूरा पूरा दिन लिखते रहेंगे तुम्हारा तो कॉम्पिटिशन कम हो रहा है, है ना चलिए तो ये जो आपके सामने पेज खुला हुआ है ये पेज पे से 2023 में इवेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था जिस पेज के ग्रेस नंबर मिले थे जिसने 2023 का पेपर दिया उसको पता है ये ऑर्डर पूछा गया था आपसे एंड इस ऑर्डर में दो ऑर्डर ठीक बैठ रहे थे दोनों को मार्क्स मिले थे टू और फोर आंसर था मतलब कुछ ने टू किया था कुछ ने फोर किया था दोनों बच्चों को नंबर मिले थे यानी कि आपको इवेंट बेस्ड क्वेश्चन मतलब ऑर्डर बताइए स्टेप्स का वो भी आ सकते हैं तो सबसे पहले हम अगर बेटा अब रजा हैं और जसप्रीत कौर हैं पता नहीं रजा अभी हैं या नहीं है जसप्रीत कौर अभी हैं या नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंसी सबके बस का है ही नहीं कंसिस्टेंसी सबके बस का है ही नहीं नहीं बेटा मेरा फास्ट नहीं है <coughs> हां जी तो

अब ब्लड में तो बेटा तीन प्रकार के सेल हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट कौन सा सेल निकाल बेटा तुम बता दो जिससे जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर पाए उसका इंटेलिजेंस वाला जीन निकाल पाए कौन सा सेल निकालें yes. बताइए कौन सा सेल निकालें क्योंकि ब्लड में तो तीन तरीके के सेल है फॉर्म एलिमेंट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स कौन सा सेल निकाले आरबीसी क्यों ना निकालू बेटा आरबीसी अगर मैं निकालूंगी ना तो आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो मेरा काम नहीं सॉल्व होगा मुझे तो उसका जीन चाहिए तो I need nucleus. तो RBC फेल। तो आई नीड न्यूक्लियस आरबीसी फेल ना अपन लोग आरबीसी निकालेंगे ना प्लेटलेट निकालेंगे क्योंकि प्लेटलेट भी रियल सेल नहीं है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है बेसिकली वी विल ट्राई टू प्रोक्योर क्योंकि WBC के पास प्रॉपर न्यूक्लियस है न्यूट्रोफिल है लिम्पोसाइड्स है मोनोसाइट्स है सबके पास न्यूक्लियस है तो हम न्यूक्लियस वाला सेल निकालेंगे तो स्टेप नंबर वन ये क्वेश्चन है बेटा पीवा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का आप डीएनए को आइसोलेट करेंगे डीएनए बाहर निकालेंगे

ये ए बी सी कैसे देखोगे नहीं दिख सकता अब जब देख ही नहीं रहा तो क्या करें बताओ दिख ही नहीं रहा तो क्या करें ये ए बी सी जब नहीं दिखता है तो इसको देखने के लिए मुझे इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ता है तो स्टेप नंबर थ्री ये जो फ्रेगमेंट बने हैं इसको सेपरेट करेंगे वाया एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फिर बेटा जी अभी भी मान लो मेरे को बी मिल गया सेपरेट कर लिया एंड अल्टीमेटली मेरे पास बी आ गया लेकिन ये तो बहुत छोटा सेगमेंट है

हाँ, होस्ट में डाल दिया फिर होस्ट को अपने ने लार्ज स्केल पे कल्चर किया रिएक्टर्स में और फिर उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके जो भी सामान निकला उसको प्योरीफाई किया एक्सट्रैक्ट किया और मार्केट में मार्केटिंग करनी उसकी शुरू कर दी तो स्टेप नंबर वन से शुरू करते हैं एंड स्टेप नंबर वन इज गया स्टेप नंबर वन इज आइसोलेशन डीएनए आइसोलेशन तो ये लिखा हुआ डीएनए आइसोलेशन अटेंशन डीएनए आइसोलेशन तो रजा आए रज़ा ने अपना ब्लड का सैंपल दिया ब्लड में से रजा के क्या निकला सेल निकला अब रज़ा तो था था। क्या था हमें चाहिए था रजा का लेकिन फालतू का बेटा बीच में आरएनए प्रोटीन सब कुछ था तो बेसिकली मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना है और रजा के डीएनए तक पहुंचना है अब जो भी आउटर मटेरियल होता है इसको तोड़ने के लिए एंजाइम लगते हैं ये रजा तो मेरे ह्यूमन थे मान लो मेरा जो जहां से डिजायर्ड डीएनए ले रहे हैं वो बैक्टीरिया होता अगर वो बैक्टीरिया होता तो बैक्टीरिया का सेल वॉल कौन बनाता है पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए कौन लगता है लाइसोजाइम है ना पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए कौन लगा लाइसोजाइम मान लो मेरा डिजायर्ड डीएनए मुझे फंजाई से लेना है की सेल वॉल कौन बनाता है सेलुलोज सेलुलोज को earth, kytin. Kytin को काइटिन काइटिन तोड़ने के लिए कौन लगता है काइटिनेज प्लांट सेल अगर मेरा होता तो उसकी सेल वॉल कौन बनाता है सेलुलोज को तोड़ने के लिए कौन लगता है सेलुलेस तो डिपेंडिंग कि मैं किससे डिजायर्ड डीएनए ले रही हूं बैक्टीरिया से ले रही हूं प्लांट से ले रही हूं फंजाई से ले रही हूं मैं अलग अलग तरीके के एंजाइम्स को यूज करूंगी एंड बेटा जी इनसे उनकी मेम्रेन को तोड़ के अल्टीमेटली उनके डीएनए तक पहुंच जाऊंगी ठीक है जी लेकिन सेल में फालतू का माल भी बहुत है फालतू का माल कैसे फालतू का माल जैसे यहाँ पर आरएनए होगा यहां पर प्रोटीन होंगे इन सबको भी तो तोड़ना है जरा आर को तोड़ो आर को, तोड़ें तो को तोड़ेंगे तो क्या यूज करेंगे प्रोटीन को तोडेंगे तो क्या यूज करेंगे लिपिड को तोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे लाईपे. सब कुछ तोड़ना है क्या मैं यहाँ पर डी ले सकती हूँ आप सब ले रहे हो तो डीएनए भी ले लो है बताओ क्या मैं यहाँ पर डीएनए ले सकती हूँ तुम बताओ यस yes, अगर मैंने डी ले लिया ना जिस पे काम करना है वही टूट जाएगा डीएनए पे तो काम करना है डीएनए ही तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो डीएनए अपने नहीं ले सकते ठीक है जी तो डीएनए बेटा जी अपने ने निकाल लिया डीएनए निकालने के बाद उसको ऐसे टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है अब डीएनए तो बेटा बहुत धागेदार सा स्ट्रक्चर है दूर दूर प्रेजेंट होता है इसको प्रेसिपिटेट किया जाएगा प्रेसिपिटेट करने के लिए हम इसमें डालते हैं हम इसमें डालते हैं चिल्ड एथेनोल क्या डालते हैं बेटा जी इसमें चिल्ड एथेनोल डालते हैं

निकाल सकते हैं क्लियर हो गया निकाल लिया निकालने के बाद रजा का डीएनए तो बहुत बड़ा है। या बैक्टीरिया है उसका भी डीएनए बहुत बड़ा, है। फंजाय है, उसका भी बहुत बड़ा है। कट करो ना कट किससे करेंगे, कट करेंगे बेटा जी। तो two, आपने करी। फिर मैंने आपको ये चीज बताई कि भाई डीएनए तो बहुत लंबा है ये इतना बड़ा डीएनए अगर आप इसके फ्रेगमेंट कर रहे हो तो आपके पास तो बहुत छोटे छोटे मतलब यू कांट सी इट बेटा यू कांट इट

एज बेटा यहाँ पर करके दिखा देती हूँ ताकि एज से रिलेटेड सारे सवाल तुम कर पाओ तो सबसे पहले मैंने जो जेल का मीडियम है 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 वो वो क्या लिया लिया दिख रहा है ये वाला कलर जेल का आगरोस का आगरोस का मीडियम बेटा जो नेचर है न, वो सीविंग नेचर ना सीविंग सीवीड से मिलती है रेड एल्गी सीवीड से मिलती है सीविंग छन्नी की तरह नेचर है पाउडर से मिलता है बेटा मिलता है व्हाइट कलर का पाउडर है फिर उसमें हम मीडियम डालते हैं तो लिक्विड हो जाता है फिर इस लिक्विड को ऐसे जेल के उसमें डाल के जेल की उसमें डाल के बेटा आज ना मैं आपके साथ टेलीग्राम पे इसका एक वीडियो शेयर करूंगी मेरे बच्चे ने भेजा तो आई कलर चेंज करना पड़ेगा तो मैंने जेल बना ली। इसमें में डाली और इसको और फिर इसमें बेटा जी ऊपर तरह मैंने कूम्स डाल दिए तो जहां जहां पर कूम्स है जब ये जेल जम जाएगी ये लिक्विड से ना सॉलिड हो जाती है जेली लाइक हो जाती है जब जम जाती है तो यहाँ छेद हो जाते हैं इन छेदों में हमने डीएनए को पोर कर देते हैं ठीक है, इसमें होता है। और यहाँ पर बाद के ए बी सी इसको मैं लिख लेती हूँ ए बी सी डाइजेस्टेड डीएनए देखो मुझे अब ऑन पेपर पता है कि मुझे कौन चाहिए बी चाहिए ऑन पेपर बेटा जी मुझे पता है कि मुझे कौन चाहिए बी चाहिए पता है ना बेटा तुम्हें बताओ ऑन पेपर तो आप जानते हैं जानते हैं कि नहीं चाहते हैं कि मुझे कौन चाहिए बी चाहिए लेकिन तुम्हें दिख थोड़ा रहा है वहां पर दिख नहीं रहा आपने अपने डीएनए को लोड कर दिया डाइजेस्टेड डीएनए लोड कर दिया और फिर इस पूरे ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया ऊपर की साइड पे आपने लगाई कैथोड कैथोड नीचे की साइड पे बेटा जी आपने लगाई एनोड अब जरा फटा फटाफट से बता दो एनोड का चार्ज क्या होता है चार्ज ऑफ एनोड बताए वट इज दी अरे केमिस्ट्री एनाइन नहीं पूछा है एनोड पूछा है एनाइन नेगेटिव चार्ज होते हैं एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज है एनोड तो बेटा जी क्या है पॉजिटिवली चार्ज याथोड चो क्या है नेगेटिवली यस yes, मेरे बच्चों पता है अब डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है डीएनए पे तो नेगेटिव होता है तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा दौड़ेगा तो डीएनए बेटा जी मेरा नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा तो ये तो मेरे को क्लियर हो गया चार्ज के हिसाब से अपने सेपरेट कर रहे हैं लेकिन बेटा बीच में जो एग्रोज है ना इसका सीविंग इफेक्ट है छन्नी की तरह जो छोटा वाला डीएनए होगा वो आगे जाएगा और जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल है वो पीछे रह जाएगा ऐसे ही होता है ना दूध में से जब मलाई छानते हैं दूध के मॉलिक्यूल छोटे हैं, वो सीव को क्रॉस कर लेते हैं छन्नी को क्रॉस कर लेते हैं मलाई क्रॉस नहीं कर पाती है इसीलिए होंगे यानी कि जो सेपरेशन हो रही है अगर मैं बात करूं जो भी अपने डीएनए में यहाँ सेपरेशन कर रहे हैं वो किसके हिसाब से कर रहे हैं साइज के हिसाब से स्मॉलर द साइज फार इट विल मूव तो कहानी क्या आई कि जितना छोटा साइज होगा उतना दूर भागेगा Father, moves. Yes, मेरे बच्चों जितना छोटा साइज उतना दूर भागेगा। भगा दो। भागा दो भाई, देश लगा इनमें तो भाग रहे हैं यहां से मुझे पता चला ए का साइज सबसे छोटा है सी का साइज मिडल में है और बी का साइज सबसे बड़ा है तो अगर मुझे पता है कि मेरा बी सबसे बड़ा है तो भाई मुझे पता चल जाएगा मुझे ये चाहिए क्योंकि ऑन पेपर तो आपको अपने फ्रेगमेंट का साइज पता है ऑन पेपर आपको ये भी पता है कि मेरा फ्रेगमेंट दोनों में से छोटा है या फिर बड़ा है तो आप जेल में पहचान जाओगे मान लो आप जेल में पहचान गए कि भाई मुझे बी ही लेना था कैसे क्या करें दिख तो रहा नहीं यार ऐसे नहीं दिखती जेल वेल आंखों से देखने जाओगे कुछ नहीं दिखेगा ऐसे देखगा व्हाइट के ऊपर ब्लू ब्लू से धब्बे लगे हुए हैं ये दिखता नहीं है दिखने के लिए बेटा पहले करनी पड़ती है इसकी स्टेनिंग क्या करनी पड़ती है स्टेनिंग पीवाई क्यू स्टेनिंग करते हैं अपने ईटीबीआर से स्टेन करने के बाद भी नहीं दिख रही यार अब क्या करें नहीं दिख रही बिकॉज यू कैन नॉट सी इट विद विजिबल विजिबल आईज रेज में ये नहीं दिखती तो आप फिर स्टेन जेल को आप फिर स्टेन्ड जेल को लेकर जाओगे यूवी रेज में देखने के लिए यूवी रेज में आपको दिखाई देंगे ऑरेंज कलर के बैंड्स कैसे बैंड्स दिखाई देंगे

इल्यूशन में क्या करते हो आप एक स्पैचुला मतलब कटर टाइप छोटा सा कटर कैंची uh, कैंची नहीं चाकू की तरह ले सकते हो कटर लेके आओगे एंड यहाँ से बिल्कुल बारीकी से जेल को कट करके डीएनए निकाल लोगे लिटरली ऐसे करा जाता है एंड दैट प्रोसेस ऑफ कटिंग द जेल इसमें हम जेल कट करके डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं इस प्रोसेस को अपने लोग बोलते हैं इल्यूशन तो दिस इज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो ध्यान पे ध्यान दे दो क्या क्या वो कहती है एनसीआर की अपने सेपरेट कर रहे हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज डीएनए को ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा जो मोस्ट कॉमन मीडियम है वो एग्रोज है कहां से मिलता है इट्स अ नेचुरल पॉलीमर इसके पास कौन सा इफेक्ट है वाला इफेक्ट एक एक पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ इसमें से सवाल बनेंगे सीविंग इफेक्ट है तो आपने बेटा जी जेल को लोड किया जो सबसे छोटा वाला होगा वो आगे जाएगा बड़ा वाला पीछे रह जाएगा डीएनए मूव किस की तरफ कर रहा है एनोड क्यों क्योंकि डीएनए तो नेगेटिवली तरफ जाएगा किस रंग के बैंड आएंगे ऑरेंज कलर के बैंड आएंगे एंड फिर उस डीएनए को निकाल लोगे बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन स्टेप नंबर थ्री क्लियर वन क्वेश्चन फ्रॉम स्टेप नंबर थ्री हंड्रेड परसेंट आना ही आना है एज में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा ठीक है इसी बात पे सेशन को लाइक कर दिया जाए क्योंकि एक चार नंबर का सवाल हम दन कर चुके हैं अब बेटा जी डीएनए निकाल दिया इल्यूशन कर ली ठीक है इल्यूशन कर ली इल्यूशन करने के बाद ये तो बहुत छोटा है यार पता चला इतने बड़े मतलब डीएनए पूरा इतना छोटा था उसमें से भी एक फ्रेगमेंट है इतने से को लेकर कहाँ घूमे इट इज नॉट स्टेबल एम्प्लीफाई करो उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा एम्प्लीफिकेशन के लिए हम लोग टेक्निक यूज करते हैं पी सी आर ठीक है अब उसको बेटा जी कहा गया अब उसको एम्प्लीफाई करेंगे बाय द मेथड विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि बेसिकली डीएनए रेप्लीकेशन ही है लेकिन इन ये डीएनए एप्लीकेशन है पर इन विट्रो डीएनए रेप्लीकेशन है ठीक है जी थी, इन विट्रो डीएनए रेप्लीकेशन है ये है मेरा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देख रहे हैं तुमको क्या 2023 में सवाल आया हाँ, 2022 में यहां से सवाल आया हाँ, हर साल आ, आ सकता है हाँ, हर साल आ सकता है इतना इंपॉर्टेंट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कौन लेकर आया मुलिस जी कैरिमुलिस कौन नहीं है कैरिमुलिस याद करो कौन लेकर आया कैरी जी लेके आए कैरी मिनाती नहीं है बेटा तुम लोग कैरी मिनाती से ऊपर ही नहीं आ पा रहे हो वो, वो रोस्टर अपने अलग हैं उनकी दुनिया अलग है उनको जीन नहीं पता होगा ये कहां से लेकर आएंगे डीएनए जीन सेल कुछ नहीं पता वो अपनी फील्ड के महारथी हैं जो हमें नहीं पता है ना अब जो जिस तरीके से वो रोस्ट करते हैं हमें नहीं पता कैसे करते हैं लेकिन हमें ये वाले मिना ये वाले कैरी के बारे में पता है दैट इज कैरी मुलिस ठीक है कैरी मुलिस इसको लेकर आई कैरी मुलिस और ये कैरी एल वाली आ, के वाली कैरी है ठीक है जी 1970 में लेके आई इन्होंने एक डब्बा टाइप बनाया एक आ, मशीन बोल लो मशीन बनाई इस मशीन का नाम है थर्मोसाइक्लर क्या नाम है थर्मोसाइक्लर थर्मो माने टेम्परेचर डिपेंडेंट है इसमें अपने टेम्परेचर को बारी बारी चेंज कर सकते हैं और इसमें अपने हिसाब से साइकिल्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आ, दस साइकिल के लिए चलाना है सौ के लिए चलाना है डेढ़ सौ के लिए चलाना है कितनों के लिए अपने नो चलाना है ठीक है जी यस कैरी मुलिस थर्मोसाइक्लर को इंट्रोड्यूस किया ये जो थर्मोसाइक्लर वाली पीसीआर मशीन है ना बेटा ये पीसीआर मशीन के बिना अब बायो में या बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक्स में कोई काम नहीं होता जहां पर भी जिस लैब में डीएनए निकाल लिया पीसीआर तो लगेगा ही लगेगा आपको पीसीआर की कहानी पता है तो क्या कैरी माने हाँ ये भी होता है गौरव से ही कह रहे कैरी माने कच्चा मैंगो भी होता है कैरी क्या, हाँ उसको बोलते हैं जिसका अचार भी बनता चटनी बनती है कच्चे आम का अचार कच्चे आम को ही बोलते हैं यस yes. कहानी पता है बेटा आपको कहानी पता है <laughs> कहानी बेटा ये है आई हैव डन माय मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन इन ह्यूमन जेनेटिक्स ओनली तो मैंने जितना भी बीएससी uh, और अपनी एमएससी में काम किया है सारा डीएनए पे ही किया है मतलब मोस्ट ऑफ द काम डीएनए पे किया है तो पीसीआर तो मतलब बहुत आम था हर बारी पीसीआर लगता ही था बिना पीसीआर के तो कुछ लग ही नहीं सकता बिना पीसीआर के तो बेटा जी कुछ लग ही नहीं सकता ठीक है जी ये जो पीसीआर है ना इसको लगाने में लगते हैं पांच छह घंटे मतलब डिपेंडिंग कि आप कितने साइकल्स उसमें इनपुट करके जाओ उतना टाइम लगता है तो पीसीआर लगाते वक्त ना मजे हो जाते थे सबके कि मैम पूछ ली आज का क्या टास्क है हम बोलते थे मैम डीएनए निकाल दिया है कल उसका आज पीसीआर लगा रहे हैं ठीक है पीसीआर में क्या टाइम दिखा रहा है दिखा रहा है दोपहर को तीन बजे खत्म होएगा मतलब तीन बजे तक वेले क्योंकि चाउमिन खा काम करेंगे और तीन के अब तो छुट्टी का टाइम हो गया अब हम जा रहे हैं तो पीसीआर ना सबको बहुत मुफ्त का टाइम भी देता था टाइम भी दे देता था समोसा पार्टी के लिए पीसीआर लगा दो आज क्या काम करना है आज पीसीआर लगाना है बस पीसीआर लगाया और हम बाहर चल

एक्चुअल में ये सारी चीजें आपको में मिलती हैं आप उसमें इनपुट कर देते डाल देते हो आपने करोगे, तो अपने को चाहिए एक बनाने के लिए, को भी यूज करोगे तो ये सारे चीज आपने मशीन में डाल दी ठीक है मशीन में डाल दी तो स्टेप नंबर वन क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टेप नंबर वन क्या होता है स्टेप नंबर वन बेटा जी इस मशीन में होता है डी नेचुरेशन Denaturation. Denaturation ऐसे किसी भी पर नहीं कर दी जाती है अलग हो जाएंगे अलग हो गए ये देखो ये मेरा टेम्पलेट डीएनए था जो लाल वाला हिस्सा है मुझे एम्पलीफाई करना है ऊपर वाला फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम नीचे वाला थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम सबसे पहले में हुई ये अलग हो गए अलग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आता है अनिलिंग में हम लोग ने जो प्राइमर डाला था ना प्राइमर हम लेकर आए थे मार्केट से मार्केट मैंने मिलता, मिलता वेंडर्स होते हैं जो लैब्स के साथ टच में रहते हैं आपको जो जो प्राइमर चाहिए होते हैं वो दे देते हैं ठीक है जिस भी जीन की कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर चाहिए तो हमने इस जी की कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर डाला ओलिगो न्यूक्टाइट सिक्वेंस होता है प्राइमर इससे जुड़ गया फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम

अब बेटा जी ये जो काम होता है एक्सटेंशन का ये होता है सेवेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज ले लूंगी वो तो भाई इतने हाई टेम्परेचर पे काम ही नहीं करता नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज तो नहीं चाहिए यहां पर मुझे बढ़िया वाला डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो इस टेम्परेचर पर काम कर पाए एक ये वाला लेने के लिए हम गए एक बैक्टीरिया के पास बैक्टीरिया कौन सा था थर्मस एक्वेटिकस थर्मस एक्वेटिकस

डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए क्यों बोला डी फॉर डी ने फॉर नीलिंग ई फॉर एक्सटेंशन क्वेश्चन आता है सारे स्टेप्स को ऑर्डर में लिखो डी ए डी जैसे बे नहीं होता आजकल बे भी बड़ा कॉमन है वॉट इज बे बी ए बिफोर एनिमन एल्स आजकल लोग अपने पार्टनर को बोलते हैं माई बे हार्ट हस्टग ये हस्टग वो तो ये अपना डे है डी ए -E. नहीं है डे डी ए याद रहेगा अच्छा अब मान लो मैंने इसके थर्टी साइकिल चला दिए कितनी कॉपीज बनेंगी इसका फॉर्मूला तो होना चाहिए यस नंबर ऑफ तो मेरे पास आ गए क्योंकि मैंने वो मशीन में फीड किए थर्टी इसको ले लेते हैं एन नंबर ऑफ कॉपीज कितनी बनेंगी डीएनए की कॉपीज कितनी बनेंगी टू रेस टू पावर एन तो यहां अगर मैंने थर्टी साइकिल करे तो टू रेस टू पावर थर्टी हो जाएगा क्वेश्चन में पच्चीस है तो पच्चीस चार है तो चार जितने साइकिल रन करोगे टू रेस्ट पावर आ जाएगा, जाएगा yes, तो आएगा, आएगा, तो चलिए तो मैंने डीएनए को डिजायर डीएनए को एम्प्लीफाई कर लिया बाय पीसीआर का एक पॉइंट सबको क्लियर हो गया वेरी गुड अब बेटा जी उसको वेक्टर से जोड़ना है वेक्टर को भी उसी कैंची से कट किया है जिसको डिजायर डीएनए से कट किया था है ना? तो नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट विद द वेक्टर जोड़ दिया जोड़ने के लिए एंजाइम बताओ मेरे बच्चों जोड़ने के लिए एंजाइम बताओ सब बच्चे बताएंगे जोड़ने के लिए एंजाइम कम ऑन कम ऑन बच्चों जोड़ने के लिए एंजाइम बता दो हाँ उल्टा लिखा है जोड़ने के लिए एंजाइम बता दो एंजाइम बता दो हम बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं पीसीआर कर लिया हमने ये देखो ये कर लिया ये कर लिया हाँ यस yes, फिर बच्चों ये उल्टा लिखे सही कह रहे हो ये ना उल्टा लिखे दिस इज गोइंग टू बी फाइव टू थ्री ये आपका फाइव आएगा ये थ्री आएगा एंड इधर आपने फाइव आएगा ये थ्री आएगा यही है ना अपने एनसीईआरटी में हाँ ये मैंने ठीक कर दिया बेटा ये देखिए ये इधर वाली साइड एक्सटेंड होगा इधर वाली साइड एक्सटेंड होगा अब ठीक है अब ठीक है यस yes. जोड़ने के लिए अपन ने क्या यूज किया बिल्कुल सा, अरे यार लिखा हुआ था ओहो ओहो माय बैड लिखा हुआ था बेटा डीएनए लाइगे कोई बात नहीं असली मामला तो पता चलेगा साढ़े सात बजे, बजे है ना बजे असली जंग का विनर आने वाला है किसने सीखा किसने नहीं सीखा साढ़े सात की क्लास पिन की हुई है फ्री क्लास है सबको लगानी लगानी है ठीक है मेरे बच्चों चलिए लाइगेशन कर ली मैंने डीएनए लाइगेस के द्वारा अब बेटा जी इसको मुझे होस्ट में डालना है होस्ट में डालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अब होस्ट में कैसे डाला जाए बताओ होस्ट में कैसे डाला जाए ट्रांसफॉर्मेशन करनी है सबसे पहले बेटा जी होस्ट को बनाया जाता है कॉम्पिटेंट ये मैंने ना पीछे लिखा हुआ रुकिए बता दिखाती हूँ होस्ट में डालने के लिए हम लोग होस्ट को क्या बनाते हैं कॉम्पिटेंट बनाते हैं ये देखिए होस्ट को बेटा जी क्या बनाया जाता है कॉम्पिटेंट कि भाई तू ले पाए तेरी को करते हैं है, तभी कैसे करा जाता है तो बेटा जी सेल से आसानी से तो पास नहीं हो सकता है ना आसानी से तो नहीं हो सकता इसको धक्का लगाना पड़ेगा फोर्स करना पड़ेगा फोर्स करने के लिए सबसे पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं होस्ट के ट्रीट करते हैं बेटा डायवेलेंट

इसके बाद पहले उसको फोर्टी टू डिग्री पे रखेंगे फिर आइस पे रख देंगे 42 डिग्री पे रखेंगे आइस पे रख देंगे 42 डिग्री आइस पे रख देंगे इससे बेटा जी इतने छेद हो जाएंगे कि भाई जो भी ऊपर चिपका हुआ है ना वो सीधा अंदर हीट देंगे. हीट शॉक शॉक देंगे ही फोर्टी टू डिग्री फॉलोड बाय आइस अल्टीमेटली बेटा डाइवेट के एफिशिएंसी इंक्रीज की जिससे डीएनए बैक्टीरिया के अंदर घुस गया क्लियर है ये देखिए ये इस तरीके से दे रहे हैं केमिकली दे रहे हैं हमने बेटा जी पहले इसको हीट शॉक दिए जिससे इसमें छेद हुए देखो में में तो ये? ये? तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया विद द हेल्प ऑफ हीट शॉक कॉम्पिटेंट कैसे बनाया कैल्शियम क्लोराइड से उसके बाद हीट शॉक से अंदर घुसा दिया अगर यही काम मुझे करना होता प्लांट सेल में बताओ प्लांट सेल में एनिमल सेल में तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करूं क्या कोई बता सकता है तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करूंगी यस yes. आ जाओ अलग अलग मेथड्स हैं बेटा ये जैसे मैंने तुम्हें बैक्टीरिया में बताया हीट शॉक से कर सकते हो ये हमने कर लिया बैक्टीरिया मैंने आपको बताया हीट शॉक से कर सकते हो पहले आइस पे रखा फोर्टी टू डिग्री आइस पे रखा फोर्टी टू डिग्री हो जाएगा अगर बात करें प्लांट्स की किसकी बात करें प्लांट्स की प्लांट्स में अपन लोग जीन गन यूज कर सकते हैं देखो जीन गन जो है वो वेक्टरलेस मेथड है वेक्टरलेस वेक्टर vector तो कर ही सकते हो एग्रोबैक्टीरियम से भी लेकिन बिना वेक्टर के भी तुम जा सकते हो द वेक्टरलेस मेथड इज जीन गन ऐसे गन होती है इस जीन गन में से क्या होता है हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल्स गोल्ड और टन के निकलते हैं जिसके ऊपर अपने ने डीएनए को रैप किया होता है तो मान लो ये गोल्ड का पार्टिकल है गोल्ड के कलर से बना लेते हैं इसके ऊपर मैंने अपना डीएनए जो है ना वो रैप किया हुआ है तो जीन गन को चलाया हाई वेलॉसिटी में गोल्ड या टंगस्टन निकला उसके साथ मेरा डीएनए भी निकला और सीधा जाके सेल के अंदर अंदर एंट्री मारेगा बेटा धूम टू की तरह निकलता है तो प्लांट्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टरलेस मेथड में आप जीन गन या फिर बॉलिस्टिक गन के द्वारा कर सकते हो एनिमल्स में बेटा जी यही काम हम कर सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा माइक्रो इंजेक्शन में क्या हो रहा है कि मान लो ये मेरी पेट्री डिश है और ये मेरा एनिमल का सेल है ये छोटा सा इंजेक्शन लिया जाता है एंड इंजेक्शन के द्वारा आप अपने डीएनए को सेल के अंदर छोड़ के आते हो तो डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जीनगन पे भी सवाल आ चुका है प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड जीनगन एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन बैक्टीरिया में हीट शॉक और सब में मेम्ब्रेन को पोरस बनाने के लिए कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड डायबेलेंट कैटायन कैल्शियम क्लोराइड यस मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज कर सकते हो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने दिखाई है इलेक्ट्रोपोरेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड माने इलेक्ट्रिक शॉक दोगे इलेक्ट्रिक शॉक दोगे तो भी बेटा पोरस हो जाएगी एंड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर घुस गया यानी कि ये सब करने के बाद मेरा होस्ट क्या बन गया अल्टीमेटली बेटा जी नाउ माय होस्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट कैसा होस्ट है ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट ठीक है लेकिन ये तो एक ही सेल है एक सेल को लेके मार्केट में क्या करेंगे बताओ एक बैक्टीरिया एक e. Coli, एक प्लांट सेल मतलब ही नहीं है इसका तो अब बेटा जी इस ट्रांसफॉर्म होस्ट की मुझे कॉपियां बनानी है नेक्स्ट स्टेप क्या है ये देखो यहाँ तक हमने स्टेप नंबर तक कर चुके हैं ट्रांसफर हो गया है अब इसको कल्चर करना है लार्ज स्केल पर बायो रिएक्टर में कल्चर कर दो कर देते हैं तुम कह रहे हो तो कर देते हैं ये भी देखो बेटा बड़े बड़े टैंकर लेके आ रही हूँ बायो रिएक्टर ये देखो

दो टाइप के बेटा आपके एनसीआरटी में दिए हुए कैन यू सी ये एनसीआरटी के बाय रिएक्टर्स हैं यस yes. सार्थक कह रहे हैं लैब में कुछ रहता ही नहीं है क्यों लैब में बेटा आपने लगता कभी काम नहीं किया लैब में बहुत बड़े बड़े काम होते असली काम होता ही लैब में स्मॉल स्केल पे पहले काम होता है फिर लार्ज स्केल पे होता है हाँ जी चलो दो तरीके का बायोरिएक्टर मैं दिखा रही हूँ ये सिंपल स्टर्ड टैंक इसका बेस कैसा है बेस बेस दिख रहा है दिस इज ठीक है कर्व्ड बेस ओके जी अब अगर तुम इसमें देखोगे इसमें एक मोटर लगी हुई है जो झाग बनेगी उसको ब्रेक करने के लिए ब्लेड्स लगे हुए हैं कल्चर ब्रॉथ को मिक्स करने के लिए भी ब्लेड्स हैं एसिड बेस बैलेंस है पीएच कंट्रोल है

यहाँ पर स्पार्जिंग में आप बबल्स इंक्रीज डाल सकते हो समझ लो एक तरीके से हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पर बबल्स आ गए हैं जो कि ऑक्सीजन ट्रांसफर को बेहतर बनाते हैं लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है इसका अगर बेस कर्व्ड था इसका बेस सीधा है इट्स अ फ्लैट बेस है ना और अपने सिंपल वाले का बेस क्या है कर्व्ड है ठीक है तो देख लेते हैं एक बायो रियक्टर के अंदर जैसे स्टर्ड टैंक अगर बात करें सिलेंड्रिकल बेस है

ना ही बीच बीच में से अपना प्रोडक्ट निकाल सकते फिर सिस्टम होता है ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम का मतलब होता है ऊपर से मीडियम डालते जाओ नीचे से खाना बनता जाएगा प्रोडक्ट बनता जाएगा तो कौन सा बेहतर सिस्टम हुआ या ओपन में तो बेटा नो न्यू मीडियम कैन बी एडेड बट इन ओपन आप ऊपर से रॉ मटेरियल डालते जाओ नीचे से नया प्रोडक्ट निकालते जाओ तो ये ज्यादा बेहतर हो गया ना तो यही बात करी है बेटा यहाँ पर ओपन सिस्टम की ओपन सिस्टम में क्या कर रहे हैं मीडियम इज ड्रेंड आउट जो यूज होता जा रहा है उसे बाहर निकालते जा रहे हैं और ऊपर से फ्रेश मीडियम को डालते जा रहे हैं ताकि हर समय जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपोनेंशियल लॉन्ग फेज में चले मैं भी आपको अगले वीक कराने वाली हूँ इकोलॉजी इकोलॉजी में इसके बारे में बहुत बात होगी यार ये लॉग फेज लैग फेज हम चाहते हैं हमारी जो रिएक्शन है वो इसी एक्सिलेशन वाले फेज में चले इस फेज को बोला जाता है लॉग फेज ठीक है इस फेज को बोला जाता है लॉग फेज ठीक है लार्जर बायोमास होगा तो हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन होगा ठीक है मेरे बच्चों तो ओपन सिस्टम इज बेटर अब हो गया एक सेल के मिलियन ऑफ सेल बन गए यस yes, मेरे बच्चों एक सेल के मिलियन ऑफ सेल बन गए एक मिनट रुको मुझे लग रहा है मेरा ना यूपीएस आ गया यूपीएस आ गया यूपीएस वाले भैया को बन, बोल दूं आ जाए बेटा लाइट चली जाती है तुम देखा ही था फ़ोन कर रहे हैं वो उन्हें मैं बोल देती हूँ कि हाँ आ जाओ जस्ट अ सेकेंड ना हेलो हाँ जी भैया आप कहाँ गए कहाँ पहुँच गए आप यूपीएस वाले हैं ना हाँ 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 कब पहुँचेगी ठीक है ठीक है हाँ 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 आप कल सुबह भेज दीजिएगा ओके नो प्रॉब्लम ओके आज नहीं आ रहा यार कल आएगा कोई बात नहीं आज तो वैसे ही हमारा क्लास हो गया कोई दिक्कत नहीं है <laughs> मैं उनसे पूछ रहा हूँ आप यूपीएस वाले नहीं क्रेडिट कार्ड वाले <laughs> यूपीएस वाले भैया ही थे लेकिन आज नहीं आ रहा कंफर्म कर रहे थे कि आप ही हो ना मैडम जिसको भेजना है मैंने कहा हाँ हाँ हम भी हैं कल भेजेंगे चलो कोई बात नहीं बढ़िया

यानी कि मुझे अब जो भी प्रोडक्ट बना है बायो रिएक्टर में उसको क्या करना पड़ेगा प्योरीफाई करना पड़ेगा क्या प्योरिफाई करना है एक्सट्रैक्ट करना है इस प्योरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तो यहां पर क्या होगा सेपरेशन होगी और प्योरिफिकेशन दो दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा पूछेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या है सेपरेशन और प्योरिफिकेशन आपको दिया होगा इनमें से पूछा जाएगा इन चार में से डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में कौन सी दो चीजें होनी है तुम बोलोगे सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन एस पी एस पी सी पाउजा सीपाउजा जैसे मेरा नाम है ना भूलते नहीं हो एसपी एस पी ओके हम डिजायर्ड प्रोडक्ट की रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की सेपरेशन कर रहे हैं एंड प्योरिफिकेशन कर रहे हैं फिर उसमें कुछ प्रेजर्वेटिव डालेंगे फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे एंड देन उसको मार्केट में बेचने के लिए उतार देंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे और मार्केट में बेचने के लिए उतार देंगे यानी कि ये ध्यान दो ये जो मेरे कितने स्टेप थे आठ स्टेप इन स्टेप में ये जो आठवां स्टेप था ये जो आठवां स्टेप था ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग था ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है तो भाई ऊपर वाले 1 टू 7 स्टेप क्या अपस्ट्रीम हो सकते हैं कैन आई कॉल दिस एज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग यस बताओ अगर नीचे वाला डाउन है तो ऊपर वाला क्या है अप है?

जो भी मैंने दवाई बनाई है इसको मार्केट में उतार दिया जाएगा ठीक है मेरे बच्चों विद विद दिस वी आर डन डन द होल चैप्टर पूरा पूरा का प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस मैंने कर दिया है तो सेशन को लाइक तो किया नहीं यार फटाफट से सेशन को लाइक कर दो कल हम एप्लीकेशंस करेंगे अगर हमारा यूपीएस लग गया बाकी इसकी डीपीपी मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी वो कुछ देर के लिए मैं वहां पर रखती हूँ बिकॉज देर इज नो पॉइंट कि मैं इतनी हाई क्वालिटी डीपीपी मैं ज्यादा देर के लिए रखू वहां पर वहां पर रहेगी आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसके नोट्स जो है ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी ठीक है मेरे बच्चों अब एक रिक्वेस्ट है आपसे रिक्वेस्ट ये है और गुड न्यूज भी है गुड न्यूज ये है कि आप सबके लिए बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट सेवन डे का ट्रायल है लेकिन ये कुछ चुनिंदा बच्चों के लिए है अन अकेडमी का फ्री सेवन डे ट्रायल आप पूरे प्लेटफॉर्म पे जो भी नोट्स हैं मतलब सब्सक्रिप्शन वाले सारे बैचेस देख सकते हो क्लासेस देख सकते हो उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो ठीक है तो इसका लिंक मैंने नीचे डलवा दिया है लेकिन ये कुछ चुनिंदा बच्चों के लिए ही है कोड वहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है आपको अगर कोड लगाने का मौका दे तो आप सीप लाइफ ही कोड लगाइएगा जिससे बेटा जी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन में एंट्री ले पाए ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन में एंट्री ले पाए एक चीज और दिखाती हूँ एक चीज और दिखा रही हूं अगर कमेंट नहीं करके गए तो फिर मुझे बताना तुम आज के सेशन पे कमेंट जरूर करके जाना है कि समझ आया नहीं आया क्या सिचुएशन है तुम्हारी सब चीज बताकर जाओगे सब चीज बताकर जाओगे ओके <laughs> आ, ये भी बताना था ये मुझे तुम्हें तो बताना था कि यार अर्ली प्रयास बैच एंड अर्ली यू कैन से सेरम बैच ये क्लास ट्वेल्थ का बैच है ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए वन ईयर का बैच लॉन्च हो चुका है मार्च से चालू हो रहा है नीचे लिंक भी दिया हुआ है आप सी लगा के प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आइकॉनिक का भी ले सकते हैं और अगर आप अभी क्लास टेंथ में हैं और 11th में आ रहे हैं आपने 2026 में नीट क्रैक करना है तो आपके पास अर्ली आरम बैच है जो कि सेम टाइम पे ट्वेंटी स्टार्ट हो रहा है आप इसमें भी एनरोलमेंट ले सकते हैं जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा जल्दी जल्दी आप सिलेबस कर पाएंगे बाकी बेटा जी स्कॉलरशिप टेस्ट सेवनटीन को होने वाला है

छह नंबर छह क्वेश्चन हमने लूज कर दे रहा है सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर मार्क्स आप लूज कर देंगे अगर आप कल की कक्षा नहीं लगाएंगे अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दो लाइक करने के बाद कमेंट जरूर करके जाना कैसा लगा वो मुझे बहुत मैटर करता है पर्सनली मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ दूसरा बेटा साढ़े सात बजे हम लोग प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं अभी साढ़े सात में पौना घंटा है जाओ दूध पियो रिलैक्स करो आ, मैं सारे नोट्स आपको अपने टेलीग्राम सीप पाउजा बायोलॉजी पे शेयर कर दूंगी ठीक है मेरे बच्चों पाउज़ा बायोलॉजी पे शेयर कर दूंगी यस yes? चलिए ओके गाइज okay, मिलते हैं अब अगली कक्षा में थैंक यू सो मच टेक केयर एंड